देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया होगा और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है, देखो, हम लोग इस क्लास में कर रहे थे बैंकिंग कंपनी। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी के बारे में हम लोगों ने, देखो, बेसिक जो भी होता है वो पता किया, तो और भी कुछ बेसिक चीज़ जो है हम लोग पता करेंगे। ये देखो, बैंकिंग कंपनी एक बार याद दिला देते हैं, किसको बैंकिंग कंपनी बोला जाता है इंडिया में, जो बैंकिंग का काम करते हैं अंडर सेक्शन 5B में, उसे बैंकिंग मतलब अंडर सेक्शन 5B के अंडर बैंकिंग का मतलब जो होता है, वो क्राइटेरिया जो भी कंपनी सेटिस्फाई करेगा उसे हम लोग बैंकिंग कंपनी बोलेंगे। मेन इन लोग का काम है लोगों से, यानी पब्लिक से डिपॉजिट लेना या फिर पब्लिक को मतलब पैसा उधार देना बोरोइंग के लिए। फिर वो पैसा, मतलब पब्लिक से जो डिपॉजिट ले रहे हैं, उस पैसे को कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं, या फिर उसी पैसे को किसी और पब्लिक को या किसी और एंटिटी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो लोन लेने के लिए आते हैं उन्हें दिया जाता है। ये देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग। ठीक है, और ऑन डिमांड पे ये पब्लिक को पैसा जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, जिसका ऑथोरिटी सिर्फ बैंक के पास है और किसी के पास नहीं होता है। ऑन डिमांड पैसा वापस करना। अब हम लोग पैसा विदड्रॉन कैसे कर सकते हैं? थ्रू चेक, ड्राफ्ट या फिर अलग कोई भी मोड से, या मीडियम जो भी बोलो उससे हम लोग अपना पैसा जो है विथड्रॉल कर सकते हैं। एनी बैंक विच ट्रांजैक्ट्स विथ बिजनेस एज स्टेटेड इन सेक्शन 5B ऑफ द एक्ट, 5B ऑफ द एक्ट इन इंडिया इज कॉल्ड बैंकिंग कंपनी। इंडिया में ऐसे कंपनी को जो सेक्शन 5B के अंडर बैंकिंग को सेटिस्फाई करता है उसे बैंकिंग कंपनी बोला जाता है। फिर बैंकिंग के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये बिजनेस कैसे करता है। अगर हम लोग को पता चल जाएगा कि ये बिजनेस कैसे करता है, तो इसका जो भी फॉर्मेट है बैलेंस शीट का और पीएल का, वो हम लोग आराम से जो है याद कर सकते हैं। तो बैंकिंग का मेन काम ये था। पब्लिक जो है वो अपना सेविंग्स अगर कर पाती है, तो वो सेविंग्स का पैसा बैंक में रखेगी, डिपॉजिट करेगी, यानी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और वो पैसा बैंक अपने पास रखेगा तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पब्लिक रिटर्न में कुछ मांग रही है कि मुझे थोड़ा बहुत इस पे इंटरेस्ट दे दीजिए। डिपेंड ऑन द डिपॉजिट, डिपॉजिट किस तरह से कर रहे हैं, मतलब टर्म डिपॉजिट है, सॉरी टर्म डिपॉजिट बोल रहे हैं, सेविंग्स है, करेंट अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट है, तो FD वगैरह में इंटरेस्ट वगैरह मिल जाता है, तो पब्लिक रिटर्न भी मांगती है, तो बैंक अपना अर्निंग कैसे करेगी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग तो करना चाहिए, तो वो इन्वेस्ट कर सकती है अपना पैसा कहीं पर, जैसे कि शेयर्स में, ठीक है, और म्यूचुअल फंड में कर सकती है, या फिर कुछ डिवेंचर वगैरह में कर सकती है, एसेट कोई खरीद के बेच सकती है, तो ये कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, फिर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या फिर लोगों को, दूसरे लोगों को जिनको लोन वगैरह चाहिए, या कोई बिजनेस एंटिटी जो लोन के लिए आते हैं उन्हें लोन दे सकती है, तो उनसे इस तरह का अर्निंग होता है और इनको पेमेंट किया जाता है। तो ये मेन जो पैटर्न है बैंकिंग बिजनेस का, वो इस तरह से होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बैंक अपना जो बैलेंस शीट है, वो जो बैंक का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो कुछ अलग है। हम लोगों ने जो अभी तक फॉर्मेट सीखा हुआ है वैसा नहीं है, ठीक है। ये 29, सेक्शन 29 फॉर्म ए, उसके हिसाब से ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। और इसमें मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था, ठीक है, CRDBO इसका मतलब बता दिया था मैंने, कैसे याद रखना है, CBIAFO, ठीक है। तो इसका शेड्यूल भी मैंने बोला कि जैसा है वैसा ही याद रखना है, ठीक है। और ये देखो, थोड़ा सा याद दिला देते हैं, लाइबिलिटी साइड कैसे याद रखना है हम लोग को, ये तो ऐसे भी आराम से याद रह जाएगा, कैन रामू धोबी वाला अगर याद रखोगे तो आराम से रह जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, शेयर कैपिटल जो कि शेयर होल्डर से डिपॉजिट जो पब्लिक से मिलता है, रिजर्व सरप्लस, बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, ये लाइबिलिटी साइड में हो जाएगा। शेयर इशू करके कैपिटल जो है वो ला सकती है, डिपॉजिट्स जो कि एक कैपिटल का बहुत बड़ा सोर्स है वो, रिजर्व सरप्लस यानी जो प्रॉफिट कमा रही है उसे जो रिजर्व सरप्लस बना रही है, बोरोइंग्स यानी अगर किसी को उधार दे रही है, जैसे कि सॉरी उधार ले रही है, लाइबिलिटी साइड पड़ रहा है, जैसे कि क्योंकि बैंक बोरोइंग कर भी सकता है, बोरोइंग मतलब दूसरे को बोरोइंग के लिए पैसा दे भी सकता है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी साइड है, तो बैंक ने बोरो किया हुआ है, आरबीआई से कर सकता है, दूसरे बैंक से या दूसरे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कर सकता है, और अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। और एसेट साइड में क्या क्या था? एसेट साइड में देखो, फिक्स्ड एसेट, बिजनेस करने के लिए फिक्स्ड एसेट चाहिएगा, जैसे कि फर्नीचर वगैरह जो भी है, कंप्यूटर वगैरह, एडवांसेस, ये मेन एसेट होगा बैंक का, क्योंकि यही काम है, बैंक लोगों को एडवांस देती है। अब कितने तरीके का देती है, टर्म लोन देती है, जैसे कि फैक्ट्री, मशीन, बड़ा बड़ा प्लांट वगैरह लगाने के लिए टर्म लोन दिया जाता है, कैश क्रेडिट लिमिट, जिसमें एक बेनिफिट होता है कि हम लोग गुड मॉर्निंग प्रिया,
अच्छा देखो, कैश क्रेडिट लिमिट में क्या होता है, हम लोग चाहे तो जितना पैसे का लोन ले रहे हैं, जितना यूज करेंगे उसी पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस पे ज्यादा नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट पता है, और नहीं बोलेंगे डिमांड लोन, जब डिमांड बैंक करेगा कि रिटर्न करो, रिटर्न करना पड़ेगा। बिल्स डिस्काउंटेड भी वन टाइप ऑफ लोन होता है, क्यों होता है मैंने डिटेल्स में बोला हुआ है। इन्वेस्टमेंट जहां भी कर रखती है, जैसे कि ये देखो, लेकिन बैंक मेनली चाहती है कि लिक्विड फॉर्मेट में वो इन्वेस्ट करे, क्योंकि बैंक के पास हमेशा पैसा होना जरूरी होता है। ये जो जिनको बैंक पैसा डिपोजिट ले रखा है, जिनसे, उनको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, कोई लोन मांगने आया तो लिक्विड चीज तो होना चाहिए हाथ में ना, इसीलिए बैंक ज्यादा प्रेफर करता है लॉन्ग टर्म चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करे। ठीक है, बैंक प्रेफर करता है कि वो हमेशा लिक्विड नेचर की चीजों पे इन्वेस्टमेंट करे, और कैश इन हैंड, बैलेंस विद अदर बैंक, डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, तो ये सब तो डिटेल्स में हम लोगों ने करा ही था। यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इनकम कैसे होता है, तो इनकम एक मेन सोर्स है जिनको हम लोग लोन वगैरह दे रहे हैं, बैंक जिनको लोन वगैरह दे रहा है उनसे अर्निंग कर सकता है, या फिर अदर इनकम जैसे कि सर्विस प्रोवाइड करके, जैसे कोई डिमांड ड्राफ्ट किसी को हम लोग पे कर रहे हैं, तो बैंक बैंक के थ्रू से पे कर रहे हैं, तो बैंक अपना एक चार्जेस काट लेता है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कोई एक्सचेंज करवा रहे कहीं पर, हम लोग मतलब आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वहां के करेंसी में हम लोग एक्सचेंज करवाने के लिए बैंक का हेल्प ले सकते हैं, बैंक ये इस तरह का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंसेस क्या क्या होता है बैंक को, एक्सपेंस मेन तो होता है जो बोरोवर होते हैं, सॉरी जिनसे बोरो कर किया जाता है उनको इंटरेस्ट देना, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, या फिर जिन्होंने डिपॉजिट वगैरह कर रखा है उनको इंटरेस्ट वगैरह देना एफडी पे या फिर कुछ और, तो ऑपरेशन या फिर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, तीन तरह का होता है। इंटरेस्ट और एक्सपेंडेड, जिसमें दो तरह का होता है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, बोरोइंग्स जो किया हुआ है बैंक ने उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का जो भी मिनिमम खर्चा होता है वो सब तो लगेगा ही, डिप्रिसिएशन, सैलरी वगैरह। प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज, प्रोविजन तो क्रिएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई। जैसे कि हमारा डेटर जो है वो बैड डेप्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब पहले से ही प्रोविजन करके रखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, जो हम लोगों ने ग्रुप वन में इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर ही पढ़ा था कि बैड डेप्ट अलग होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अलग होता है। ठीक है, हम लोग पहले से ही एजम्पशन के हिसाब से जब हम लोग एक परसेंटेज वाइज डेटर को कम कर देते हैं, उसे बोलते हैं प्रोविजन करना। यहाँ पर बैंक को भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मेट हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट जो है उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा सकता है, कैसे बैंक अपना इनकम को रिकॉग्नाइज करे। तो इंटरेस्ट जो नॉर्मल एडवांसेस होता है उन पे एक्रुअल बेसिस पे, और जिन पे डाउट होगा उन पे कैश बेसिस पे, और उस पे एक क्वेश्चन भी किया था मैथ से ही किया था, इलस्ट्रेशन 6। ठीक है, फिर यहां पर एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, मतलब ये जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के ऊपर। ठीक है, तो एडवांसेस का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, मतलब बैंक ने जो लोन दिया है उसके लिए, बैंक अगर लोन, मान लो लोन का इंटरेस्ट जो है या फिर लोन रीपे अगर सही तरीके से हो रहा है तो वो परफॉर्मिंग एडवांसेस है, अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस है। मतलब मैंने लोन ले लिया, लोन का जो इंटरेस्ट वगैरह है सही तरीके से दे रहे, लोन भी सही तरीके से रीपे कर रहे, तो हम परफॉर्मिंग एडवांस हो जाएंगे बैंक के लिए। लेकिन अगर मैंने नहीं दिया तो नॉन परफॉर्मिंग एडवांस हो जाएंगे। इसके बारे में डिटेल्स में आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें आरबीआई का प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है वो फॉलो होता है कि कितना हमें परसेंटेज जो है वो लगाना है अपने नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस के ऊपर। ठीक है, जैसे हम लोग अपने डेटर पे करते हैं 5%, 10%, अपने हिसाब से कर लेते हैं, प्रीवियस नॉलेज से कर लेते हैं कि पिछले बार इतने लोगों ने डिफॉल्ट किया था तो हो सकता है इस बार भी इतने लोग करें। लेकिन यहां पर कुछ एजम्पशन बेसिस पे नहीं है, आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे रखा है, जितना जितना परसेंटेज दे रखा है उतना परसेंटेज ही हमें लगाना पड़ेगा, मतलब बैंक को लगाना पड़ेगा, और उतना परसेंटेज से हम लोग कर सकते हैं, ना तो कम ना तो ज्यादा, और सारा परसेंटेज हमें याद भी रखना पड़ेगा, हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये देखो, द एडवांसेस जनरेट टाइमली इनकम फॉर बैंक एंड डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क फॉर नॉन पेमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल रिस्क तो मैंने उस दिन भी बोला था, नॉर्मल रिस्क तो थोड़ा बहुत हो ही सकता है, किसी का अगर सपोज अचानक से बिजनेस खराब हो गया, अच्छा ही चल रहा था, अचानक से किसी वजह से बिजनेस जो है वो खराब हो गया, जैसे देखो कोविड के वजह से ये जो मतलब कुछ कुछ इंडस्ट्री में बहुत अच्छा हुआ है, जैसे कि मेडिकल सेक्टर वगैरह में, ठीक है, जो भी मेडिसिन ये सब में अच्छा तरक्की हो रहा है, लेकिन कुछ
सेक्टर ऐसा है जिनका जो है प्रॉफिट जो है वो कम होते जा रहा है, जैसे कुछ लोगों का बिजनेस बहुत खराब हो जा रहा है, जैसे मान लो ये सिनेमा हॉल वगैरह जो है इन लोगों का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये अचानक से अगर ऐसा हो जाता है तो नॉर्मल रिस्क तो रहता ही है। अब ये तो एक अचानक सिचुएशन हो गया, सडन सिचुएशन, ये हमेशा ऑकर नहीं होता है। फिर भी अगर बिजनेस करते जा रहे हैं तो उसमें हो सकता है कुछ गलत डिसीजन के वजह से या फिर किसी भी रीजन से हमारा बिजनेस खराब चल सकता है, उस केस में नॉन पेमेंट का एक नॉर्मल रिस्क जो है वो रह जाता है, ठीक है। नॉर्मल रिस्क हर चीजों में रहता है, तो उस लेकिन परफॉर्मिंग अगर कोई है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। और अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग है, मतलब किसी को बैंक ने एडवांस दिया, एंड एडवांस हैज बिकम नॉन परफॉर्मिंग व्हेन द बैंक डज नॉट रिसीव इनकम फ्रॉम इट फॉर ए सर्टेन पीरियड, बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है, बैंक को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, रीपेमेंट का टाइम हो गया। मतलब लोन लेने से क्या होता है, सपोज किसी ने 1 लाख का लोन लिया है, उसका एक इंटरेस्ट वो भर रहा है 5% करके सपोज भर रहा है, लेकिन लोन को भी तो रीपे करना पड़ेगा। अगर 3 साल के लिए लिया है तो 3 साल बाद 1 लाख रुपीज रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन ना तो इंटरेस्ट भरा ना तो लोन को रिटर्न किया। तो क्या सभी को हम लोग एक ही कैटेगरी में डाल लेंगे जो पैसा नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं। आरबीआई ने बोला हुआ है कि इसमें भी हम लोग सब कैटेगरी करेंगे, जो पेमेंट नहीं दे रहे उसमें सब कैटेगरी क्या होगा, एक हो जाएगा सब स्टैंडर्ड। ये देखो, ये स्टैंडर्ड इंसान था जो पैसा दे रहा था, लेकिन इसने अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा खराब कर लिया, नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अब रीजन कुछ भी हो, हमेशा जरूरी नहीं है कि लोग जानबूझ के ही नहीं दे रहे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि जो मतलब बैंक अच्छे तरीके से चेक अगर नहीं करता है तो बैंक के लिए बहुत ही खराब होता है, अगर वो किसी को भी लोन दे देता है तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाएगा, अगर उससे भी खराब हालत हो तो डाउटफुल एसेट हो जाएगा, और एकदम कुछ मिलेगा ही नहीं कंफर्म हो चुका है तो लॉस एसेट होगा, ठीक है। अब रेट देखेंगे कि प्रोविजन किस पे क्रिएट किया जाएगा, क्या स्टैंडर्ड एसेट पे प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि इस पे भी एक नॉर्मल रिस्क जो है वो रह जाता है, और जो नॉन परफॉर्मिंग है उनके ये तीन कैटेगरी में क्या क्या हमारा रेट है वो चेक करते, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने कुछ अदर सर्विसेज लिखवाए थे प्रोवाइडेड बाय बैंक, उसके बाद एक स्लिप बेस्ड अकाउंटिंग लिखवाया था, और मैंने बोला था ये लिखवा देंगे, ठीक है। चलो, स्लिप बेस्ड अकाउंटिंग जो है ये, इसका कंसेप्ट तो मैंने बोल ही दिया था, इसको पहले लिखवा लेते हैं फिर ये नॉन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग वाला बोल लेते हैं। तो स्लिप बेस्ड अकाउंटिंग एक बार लिख लो, देखो स्लिप बेस्ड अकाउंटिंग का एक बार लिखते हुए हम फिर से याद दिला देते कैसे होगा, ये थियोरिटिकली आ सकता है, स्लिप बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये जब मैंने बोला था तो पूरा बैंक का सिस्टम बताया था कि अगर हम लोग फिजिकली बैंक में जाके कोई काम करते हैं तो किस तरह से बैंक काम करेगा, ठीक है। तो ये देखो, द बैंक हैज टू इंश्योर दैट कस्टमर्स और डिपोजिटर्स, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स है वही बैंक के कस्टमर्स है, लेजर अकाउंट आर अप टू डेट, सो दैट व्हेन ए चेक इज प्रेजेंटेड टू बैंक, फॉर पेमेंट द बैंक कैन इमीडिएटली डिसाइड वेदर वेदर टू वेदर टू ऑनर और डिजॉनर, वेदर टू ऑनर और डिजॉनर, द चेक इट इज देयर फोर नेसेसरी, इट इज देयर फोर नेसेसरी that transaction in the bank are immediately
रिकॉर्डेड और अपडेटेड देखो ये स्लिप बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो था उसमें मैंने पूरा सिस्टम ही बताया था कैसे होता है, फिर से यहाँ पर जो लिखवा है वो एक बार बता देते, थियोरेटिकली आ सकता है। बैंक हैज़ टू एंश्योर दैट कस्टमर और डिपोजिटर्स लेजर अकाउंट आर अप टू डेट। मैंने ये सिस्टम बताया था कि बैंक पहले जर्नल करके लेजर नहीं करता है, बैंक पहले अपना लेजर अकाउंट को, अपने कस्टमर के लेजर अकाउंट को अपडेट करते रहता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब पैसा विदड्रॉन हुआ या फिर पैसा डिपोजिट हुआ जो भी हो, और उसके बाद वो लोग क्या करता है, उसके बाद वो लोग जो है जर्नल को अपडेट करता है सब्सिडियरी बुक्स के थ्रू से, ठीक है। तो बैंक जो है, क्योंकि सब्सिडियरी बुक यानी कैश बुक मेंटेन करता होगा बैंक, तो बैंक हैज टू इंश्योर दैट कस्टमर्स और डिपॉजिटर लेजर अकाउंट आर अप टू डेट। हमेशा लेजर अकाउंट उनका अप टू डेट होना चाहिए ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दैट व्हेन ए चेक इज प्रेजेंटेड टू बैंक, अगर कोई भी चेक बैंक में आ रहा है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का, तो वो बैंक इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर ले कि इस चेक को ऑनर करना है कि डिसऑनर करना है, ठीक है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट ट्रांजैक्शन इन द बैंक आर इमीडिएटली रिकॉर्डेड और अपडेटेड। तो जब भी हम लोग बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो इमीडिएटली अपडेट या रिकॉर्डेड जो भी बोलो वो हो जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये टाइम टेकिंग हो जाएगा तो लोग दूसरे ऑप्शंस को अवेल करने लगेंगे, क्योंकि कंपटीशन है, तो बैंक को अगर टिकना है मार्केट में तो बैंक को भी इस तरह का जो है अपडेशन लाना पड़ेगा, मीन्स अपडेशन के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए बैंक ने क्या किया है, फॉर दिस पर्पस स्लिप सिस्टम ऑफ लेजर पोस्टिंग इज अडॉप्टेड। और स्लिप बेस्ड क्या होता है ये मैंने लास्ट दिन, मतलब स्लिप बेस्ड तो हम लोग कर रहे हैं, स्लिप कितने तरह का तो है वो देखो मैंने बताया था यहाँ पर, पे इन स्लिप अगर पैसा डिपॉजिट करना है, विदड्रॉल पैसा निकालना है, विदड्रॉल स्लिप यूज किया जाता है, और अगर हम लोग किसी भी तरह का बैंक के साथ हमारा ट्रांजेक्शन होता है बट किसी भी तरह का स्लिप जनरेट किए बिना, जैसे कि बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, या फिर बैंक ने कोई चार्ज काट लिया, वो पासबुक अपडेट करते तो पता चलता है, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्टली बैंक में जाके कोई स्लिप वगैरह, मतलब कोई फॉर्म फिलअप करके ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं किया है, ठीक है, तो दैट इज डॉकेट्स के थ्रू से वो हो जाता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर दिस पर्पस स्लिप सिस्टम ऑफ लेजर पोस्टिंग इज अडॉप्टेड, इसलिए ये स्लिप सिस्टम जो है ये बैंक ने अडॉप्ट कर रखा है। अंडर दिस सिस्टम एंट्रीज आर मेड इन द पर्सनल अकाउंट्स है, मतलब पर्सनल अकाउंट जो डिपोजिटर है, पर्सनल अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स इन द लेजर डायरेक्टली। फ्रॉम various slip rather than from subsidiary books or journal and then a day book is रिटर्न अप। तो देखो यहां तक क्या बोला है मैंने, फॉर दिस पर्पस ये पैटर्न को फॉलो करने के लिए, ताकि कस्टमर का अकाउंट हमेशा अप टू डेट रहे, स्लिप बेस्ड सिस्टम ऑफ लेजर पोस्टिंग इज अडॉप्टेड। तो अंडर दिस सिस्टम एंट्रीज आर मेड इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द कस्टमर इन द लेजर, डायरेक्टली लेजर में होता है। नॉर्मली जब हम लोग स्टार्टिंग में 11 में जर्नल का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो जर्नल कहाँ से किया जाता है, कोई इनवॉइस से, ठीक है, किसी भी तरह के वाउचर से, तो ये भी तो वन टाइप ऑफ क्या हो जा रहा है,
स्लिप हो जा रहा है, लेकिन यहाँ से हम लोग जर्नल नहीं करके पहले डायरेक्टली लेजर करते हैं ताकि कस्टमर का जो अकाउंट है वो हमेशा अपडेटेड रहे इन द लेजर डायरेक्टली फ्रॉम वेरियस स्लिप रैदर देन, क्योंकि स्लिप से पहले करना चाहिए था सब्सिडियरी बुक यानी जर्नल बुक, सब्सिडियरी बुक्स और जर्नल्स एंड देन ए डे बुक इज रिटन अप, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, पहले लेजर पे ही इसे पोस्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पर्सनली, जो कि मतलब पर्सनली यानी कि बैंकिंग टाइम के अलावा दूसरे टाइम पे, बचे हुए टाइम पे, जैसे मान लो बैंक बंद हो गया उसके बाद भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग वहां पर काम करते रह रहे, तो वो ये सब काम करते हैं कि लेजर तो हम लोग तभी कर रहे हैं लेकिन जर्नल में भी तो पोस्ट करना जरूरी है, तो ये सब जर्नल पोस्टिंग वगैरह वो बैंक बंद होने के बाद बचे हुए टाइम पे वो करते रहते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, जिनको जैसे शिफ्टिंग दिया जाता है उस हिसाब से। तो जर्नल एंड देन ए डे बुक इज रिटन अप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे सबसिक्वेंट, सबसिक्वेंटली एंट्रीज इन द अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ कस्टमर आर टैलीड विद द डे बुक। डे बुक पहले क्या होगा, पहले जब बैंक मतलब अपने वर्किंग टाइम पे है तो वो सारे स्लिप से लेजर में पोस्टिंग हो गया। अब जब दूसरे टाइम पे, जबकि बैंक का वर्किंग टाइम नहीं है, जब जर्नल एंट्री पास किया जा रहा है थ्रू सब्सिडियरी बुक, तो वो कर लिया जाएगा उस भाउचर से, फिर दोनों को टैली किया जाएगा, लेजर और जर्नल को, ठीक है। तो टैली किया जाएगा डे बुक के साथ। इन दिस वे द पोस्टिंग इन दिस वे द पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट एंड राइटिंग ऑफ द डे बुक कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। ए स्लिप इज ऑल्सो कॉल्ड वाउचर। ये वाउचर का काम करता है इन लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां तक जस्ट इतना ही लिखना है हम लोगों को, जितना याद रहेगा, कंसेप्ट तो पता है किस तरह से होगा, अगर थियोरिटिकली आए तो लिख सकते हैं, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर था इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, तो इसमें काफी अच्छा रहेगा ये वाला कि कितने तरह का स्लिप होता है, क्यों हम लोग स्लिप बेस्ड सिस्टम फॉलो करते हैं, तो इसके बाद ये लिखोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये हो गया थियोरिटिकल नोट कि स्लिप बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो। अच्छा, अब हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट इज ये वाला, इसका आगे बढ़ाते हैं कि ये जो सब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है इसका क्या रेट वगैरह है वो देखो, जो कि आरबीआई ने बना रखा है। अच्छा तो इसके लिए हेडिंग करेंगे टाइमलाइन एंड रेट ऑफ प्रोविजन, टाइम line and rate of provision। टाइमलाइन एंड रेट ऑफ प्रोविजन क्यों लिखा है मैंने, देखो हम लोग को ये देखना है कि कब हमारा नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस को हम लोग सब स्टैंडर्ड बोलेंगे, कब डाउटफुल बोलेंगे, अब कब लॉस एसेट बोलेंगे, उसका एक टाइमलाइन है, मतलब कितने टाइम तक किसी को हम लोग सब स्टैंडर्ड बोलेंगे, कितना टाइम क्रॉस कर जाने से उसे डाउटफुल बोलेंगे और कितना टाइम क्रॉस कर जाने से उसे लॉस एसेट बोलेंगे, इसलिए इसको बोल रहे हैं टाइमलाइन। और अकॉर्डिंग टू द लॉस हम लोगों को प्रोविजन करना पड़ेगा, लेकिन आरबीआई का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए। तो आरबीआई का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैसे है देखो, ये टाइमलाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर लिखते हैं ड्यू डेट, ठीक है। ड्यू डेट क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी तुम लोगों ने पढ़ा है ग्रुप वन में। ड्यू डेट का मतलब होता है कि जिस दिन पेमेंट करना होता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लो 1 मंथ का बिल है, ठीक है, आज 1st ऑफ फेब है, तो 1st ऑफ मार्च को पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज ड्यू डेट। लेकिन अगर उसमें हम लोग, क्योंकि बिल्स में 3 डेज ग्रेस जो है ये नॉर्मल कंसेप्ट है, अलाउड किया जाता है, तो 3 दिन ऐड कर देंगे तो 4 तारीख को पेमेंट करेंगे तो चलेगा, दैट इज ड्यू डेट, ठीक है। तो हम लोग ड्यू डेट पे भी पे कर सकते हैं और ड्यू डेट पे ग्रेस ऐड हो जाते हैं तो उसे मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। अब यहाँ पर ड्यू डेट का मतलब क्या है? यहाँ पर ड्यू डेट का मतलब है, ये देखो, ये किस पे हम लोग कर रहे हैं प्रोविजन? प्रोविजन किस पे करते हैं? कस्टमर पे, डेटर पे। पैसा लॉस किन से होने वाला होता है? डेटर पे। अब डेटर कौन है? ऑब्वियसली जो डिपोजिटर है वो तो डेटर नहीं होंगे, मतलब उनसे पैसा थोड़ी ना मिलना है, उनको उनका पैसा ही तो यूज करके हम लोग बाकी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं, तो उनको तो पैसा रिटर्न करना होगा, तो उनसे हमें ये वाला प्रोविजन उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। किन पे एप्लीकेबल होगा? जिनसे पैसा मिलने वाला है। अगर नहीं देते हैं तो कितना प्रोविजन करेंगे? तो पैसा किन से मिलेगा? पैसा उनसे मिलेगा जिनको हम लोगों ने उधार में पैसा दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर डेटर का बात हो रहा है, ठीक है, नॉट क्रेडिटर। तो ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब यहाँ पर लोन का ड्यू डेट। तो जब कोई लोन लेता है तो बैंक के साथ उस पर्सन का एक क्या बोले, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इतने तारीख को आपको लोन देना। जैसे मान लो रेंटेड घर पे होता है ना, कि 1 से 5 तारीख के अंदर, कोई बोलता है 1 से 7 तारीख के अंदर, कोई बोलता है 1 से 10 तारीख के अंदर आप पेमेंट कर दीजिएगा, तो वैसे एक पर्टिकुलर ड्यू डेट होगा जब बैंक ने पैसा जो है वो उधार दिया होगा किसी पर्सन को, ठीक है। तो अगर ड्यू डेट पे हम लोग अपना पेमेंट नहीं कर पाते, सपोज जिसके साथ बैंक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ड्यू डेट पे, वो पर्सन अगर फेल हो जाता है, फेल्ड टू मेक पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं कर पाता है, तो रूल्स ये नहीं है कि तुरंत हम लोग उसको बोल दे कि ये क्या बन गया, ये सब स्टैंडर्ड बन गया, नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता है। आरबीआई इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि ऐसा कोई रूल्स लगा दे, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ऐसा होगा तो उसको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। कितना टाइम दिया जाएगा? ये देखो, 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा। यहां पर लिखते हैं 3, ये मंथ है, ठीक है। 3 मंथ्स जो है वेट करेगा बैंक। आफ्टर 3 मंथ्स उसे क्या डिक्लेयर कर देगा? ये देखो, यहां पर लिख के दिखाते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स क्या डिक्लेयर करेगा? आफ्टर 3 मंथ लोन अकाउंट, आफ्टर 3 मंथ ऐसे लिखते हैं, आफ्टर 3 मंथ लोन अकाउंट टर्न्स एन पी ए, ठीक है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, ठीक है। तो हम लोग, कोई एक पर्सन स्टैंडर्ड एसेट में आता है, ठीक है, मतलब परफॉर्मर है, हमेशा पेमेंट वगैरह कर देता है, तो अचानक से नहीं कर पा रहा है, तो फिर थोड़ा सा टाइम वेट किया जाएगा। मतलब किसी को अचानक से ऐसे एकदम खराब समझना बेवकूफी है, ठीक है, कि अगर अभी नहीं, हमेशा वो देता है, अगर हमेशा नहीं देता है तो बात अलग है, अगर हमेशा वो नहीं देता, मतलब हमेशा दे रहा है, अचानक से नहीं दे पाया, तो उस केस में वेट किया जाएगा कि ठीक है वेट करते हैं, लेकिन वेट का टाइम क्या है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स बाद भी अगर नहीं दे पा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर ड्यू, ठीक है, ओवर ड्यू, इसको हम लोग बोलेंगे। यहां पर लिख के दिखाते हैं, ओवर ड्यू, ठीक है। तो ड्यू जो है वो ज्यादा, मतलब बहुत टाइम जो है जा रहा है, धीरे धीरे ओवर ड्यू टाइम हो रहा है, तो ओवर ड्यू हो जाएगा। और आफ्टर 3 मंथ्स उस पर्सन के लोन अकाउंट को हम लोग बोलेंगे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, और उसको कौन से स्टैंडर्ड में डालेंगे? पहले वाले में, सब स्टैंडर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है, ये लोन अकाउंट जो है ये सब स्टैंडर्ड हो चुका है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहां पर इसको हम लोग, लेकिन ये जो 3 मंथ्स का टाइम चल रहा है ना, इस 3 मंथ्स के टाइम में इसको हम लोग परफॉर्मिंग ही मानेंगे। परफॉर्मिंग मतलब हम लोग वेट कर रहे हैं ना, दे देगा पैसा, दे देगा, तो इसको हम लोग मानेंगे परफॉर्मिंग। मतलब बात समझो कि यहां पर आफ्टर 3 मंथ्स, जैसे एक डेट लेने से समझ में आएगा, सपोज मान लो
कि ड्यू डेट है आज का 1st of Feb, ठीक है, ड्यू डेट है आज का, आज लोन का पेमेंट मतलब इंटरेस्ट देना चाहिए था लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं दिया, तो हम लोग 3 months वेट करेंगे, आफ्टर 3 months सोचेंगे कि इसको हम लोग सबस्टैंडर्ड बनाएंगे कि नहीं, ये पर्सन जो है ये हमारे लिए स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट है, लेकिन इसको 1 तारीख को मतलब आज पेमेंट करना था, बट ये आज नहीं आया, बैंक का पूरा टाइम चला गया, ये आज आके पेमेंट नहीं किया, तो बैंक इसके लिए 3 months वेट करेगी और वेटिंग जो पीरियड रहेगा उसमें इसको परफॉर्मिंग ही मानेगी, परफॉर्मिंग मतलब ये दे देगा आज नहीं तो कल दे देगा, ऐसे करके ये 3 months तक वेट करेगी। 3 months वेट करने के बाद तो कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 months ऐड कर दो, 15 है ना, फेब्रुअरी मार्च अप्रैल, सॉरी अप्रैल तक होगा, 1st of April तक है ना, फेब्रुअरी पूरा, मार्च पूरा और अप्रैल का 1 तारीख, नहीं अप्रैल का 1 तारीख, मई होगा, मई तक ही तो हो रहा है ना, 3 months, फेब्रुअरी पूरा 1 तारीख से लेके 28 मार्च का पूरा, अप्रैल का पूरा, अगर अप्रैल का पूरा हो जाएगा तो मतलब हाँ 1 मई तक बैंक वेट करेगा और 1 मई के बाद इसे क्या डिक्लेयर कर देगा, इसे डिक्लेयर कर देगा नॉन परफॉर्मिंग, मतलब सेकेंड ऑफ मई से इसको सब स्टैंडर्ड एसेट बताया जाएगा, लेकिन इस पीरियड में ये 1st of Feb से लेके 1st of मई तक के ये जो पीरियड है इसमें इसको परफॉर्मिंग माना जाएगा और स्टैंडर्ड ही मानते जाएगा बैंक, ठीक है, और ये जैसे ही 3 months कंप्लीट हो जाएगा तब इसे बोलेगा सब स्टैंडर्ड, और इस पीरियड को बोलते हैं परफॉर्मिंग पीरियड और इसको ओवरड्यू भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब ओवरड्यू होते जा रहा है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो भी टाइम आएगा ये पूरा नॉन परफॉर्मिंग होगा, इसके बाद जो भी टाइम आएगा यहां से लेके यहां तक इसको हम लोग बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग, क्योंकि पैसा नहीं दिया तो ये ऑलरेडी तो बन चुका है ना एनपीए नॉन परफॉर्मिंग, तो यहां से यहाँ बाकी पीरियड भी नॉन परफॉर्मिंग है, मतलब अगर इसके बाद नहीं दे रहा है तो वो धीरे धीरे डाउटफुल और लॉस एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका क्या कंडीशन बोल रखा है आरबीआई की तरफ से, देखो आरबीआई ने बोला है कि हम लोग पहले एक इंसान को सब स्टैंडर्ड या एक ऑर्गेनाइजेशन को, हमेशा पर्सन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल होगा, पहले वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद अगर ऐसे हो रहा है सिस्टम, ये देखो, ठीक है, उसके बाद 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर ऑफ इन पीए, कोई अगर इसके बाद 1 साल तक एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग कंडीशन में है, तब उसे क्या बोला जाएगा, तब उसे हम लोग बोलेंगे सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, ठीक है। बैंक तो अपना वेट करते जाएगा ना कि मेरा पैसा मिल जाए, मेरा पैसा मिल जाए, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि बैंक के लिए लॉस इसीलिए है कि बैंक, पहला बात है बैंक को प्रोविजन क्रिएट करते जाना है, प्रोविजन का रेट भी दिखाएंगे जैसे जैसे ये स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड फिर लॉस एसेट में कन्वर्ट होगा, और ऊपर से एक रूल्स भी है कि जब तक बैंक को, मतलब ये रूल्स भी तो हम लोगों ने देखा है ना कि अगर एक्रूड, मतलब कोई अगर नॉन परफॉर्मर हो जा रहा है तो उस केस में बैंक को एक्रूअल बेसिस नहीं चलेगा, बैंक को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ना तो बैंक इनकम रिकॉग्नाइज कर पा रहा है और ऊपर से प्रोविजन पे प्रोविजन क्रिएट किए जा रहा है, तो बैंक का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बार सोच के देखो, इनकम साइड कुछ नहीं आ रहा है, ऊपर से डेटर मतलब जिनको पैसा वगैरह दे रखा है उनका, उनसे जो मतलब रिटर्न आना है, मतलब जो पैसा मिलने वाला, रीपेमेंट का वैल्यू हर साल कम होते जा रहा है, तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाता है, इसलिए बैंक को हमेशा अपने कस्टमर को देखते हुए ही लोन देना चाहिए, ठीक है। तो 1 साल बैंक अगर वेट करेगा जो पेमेंट नहीं कर रहा है उसके लिए, तो वो क्या हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कैटेगरी है, देखो उसके बाद है अप टू 1 ईयर, ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है अप टू 1 ईयर के बाद 1 to 3 ईयर, 1 से लेके 3 साल, 1 to 3 ईयर, और उसके बाद का जो कैटेगरी है ये है ग्रेटर देन 3 ईयर, ठीक है, ग्रेटर देन 3 ईयर, तो यहां पर कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको इस तरह से कर देते हैं, ऐसे
यहाँ पर जगह, अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हटा के लिखते हैं। यहाँ से एरो देके और एक पॉइंट भी लिखना है, आफ्टर 1 ईयर, ये देखो 1 ईयर तक वेट करेगा। आफ्टर 1 ईयर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस लोन अकाउंट को, लोन अकाउंट बिकम डाउटफुल, डाउटफुल, और नीचे लिख देते हैं ठीक है, वहां पर इतना चीजों का जगह नहीं होता। और इसको हम लोग बोलेंगे सब स्टैंडर्ड, नहीं एक सेकेंड, सब स्टैंडर्ड कुछ तो गलत हो गया, एक सब स्टैंडर्ड के बाद क्या था, डाउटफुल, अच्छा डाउटफुल के बाद लॉस एसेट, अच्छा डाउटफुल होगा और लॉस एसेट। अच्छा ये जो पीरियड है, ये जो पीरियड है कि अप टू 1 ईयर, 1 ईयर तक 1 से 3 और ग्रेटर देन 3, ये पूरा पीरियड को हम लोग बोलेंगे डाउटफुल। यहाँ पर एक बार लिखो डाउटफुल, अच्छा। और ये जो इसके बाद का जो पीरियड होगा, यहाँ तक मैंने यहाँ लगा दिया ठीक है, ये जो पीरियड होगा यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे लॉस एसेट, लॉस एसेट ऑन डायरेक्शन ऑफ आरबीआई इंस्पेक्टर एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ बैंक, ठीक है। अच्छा देखो एक बार कैटेगरी समझा देते हैं, कैसे करके हमें रीड करके याद रखना है, फिर से बता रहे हैं। देखो अगर बैंक और बॉरोअर के बीच में एक डिसाइड होगा कि इस दिन पेमेंट करना है, तो अगर पेमेंट हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे परफॉर्मिंग एडवांस है ठीक है। लेकिन अगर पेमेंट नहीं कर पाता है तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई जस्ट उसी दिन उसको डिक्लेयर कर दे कि ये नॉन परफॉर्मर है, नहीं, आरबीआई 3 मंथ्स वेट करेगा। आफ्टर 3 मंथ्स, जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा, तब उस लोन अकाउंट को बोलेगा एनपीए है ठीक है, एनपीए है, और ये एनपीए के पहले कैटेगरी में आएगा, दैट इज सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा। तो एनपीए का 3 कैटेगरी होता है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और होता है लॉस एसेट ठीक है। उसके बाद 1 साल फिर वेट किया जाएगा, और ये जो पूरा 1 साल का पीरियड है इसमें ये नॉन परफॉर्मर ही रहेगा, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस ही रहेगा ठीक है। और आफ्टर 1 ईयर, जैसे यहाँ पर आफ्टर 3 मंथ्स उसे क्या डिक्लेयर किया गया, सब स्टैंडर्ड, और आफ्टर 1 ईयर इसे क्या डिक्लेयर किया जाएगा, आफ्टर 1 ईयर इसे डिक्लेयर किया जाएगा यहाँ पर डाउटफुल ठीक है। आफ्टर 1 ईयर इसे डिक्लेयर किया जाएगा डाउटफुल, तो लोन अकाउंट बिकम डाउटफुल, ये डाउटफुल हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने लिख रखा है ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर आफ्टर 1 ईयर ये लोन अकाउंट बन जाएगा डाउटफुल। और इस सिचुएशन में क्या रहेगा, तो पहले यहाँ पर मैंने एरो दे के जो लिखा था ना उसको थोड़ा सा हटा ही दो, आफ्टर 1 ईयर ये लोन अकाउंट बिकम डाउटफुल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर परफॉर्मिंग कंडीशन में था, तो ये 1 साल तक ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में रहेगा, यहाँ पर सब स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा ठीक है। ये देखो जब ये आरबीआई वेट कर रहा है 3 मंथ्स का, तो ये परफॉर्मिंग एसेट ही माना जाएगा। उसी तरह से 3 महीने बाद जब इसे सब स्टैंडर्ड कर दिया जाएगा, फिर ये 1 साल वेट करेगा बैंक, तो 1 साल बाद इसे डिक्लेयर करेगा डाउटफुल, और इस बीच में इसे सब स्टैंडर्ड ही मान के चलेगा ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड एसेट है अभी हमारे लिए ठीक है। तो एक कोई भी एंटिटी हो या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, वो अगर पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसे पहले क्या मान लिया जाएगा, पहले तो उसे 3 मंथ्स परफॉर्मिंग ही मान लिया जाएगा ठीक है। 3 मंथ्स तक परफॉर्मिंग मानेंगे, और 3 मंथ्स जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसे मानेंगे सब स्टैंडर्ड ठीक है। उसे सब स्टैंडर्ड जैसे ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसे 1 साल तक सब स्टैंडर्ड मानते हुए चलेंगे, और जैसे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उसे हम लोग डाउटफुल मानेंगे। और डाउटफुल का देखो कितने दिन तक डाउटफुल मानते जाना है, ये देखो
अप टू 1 ईयर, 1 साल तक, फिर इसके बाद का 1 साल तक डाउटफुल, 1 से 3 साल तो भी डाउटफुल, और ग्रेटर देन 3 इसे डाउटफुल, मतलब लगभग 3 साल तक, 3 से ज्यादा इसे डाउटफुल मानेंगे। उससे भी ज्यादा अगर हो जाता है फिर उसे हम लोग लॉस ऐसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब ये डिक्लेयर कौन करता है? आरबीआई में जो इंस्पेक्टर रहते हैं, आरबीआई इंस्पेक्टर और बैंक के जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर रहते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ इसे अब लॉस ऐसे डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। तो ये वो सोच समझ के अपना डिसीजन लेते हैं कि जब उन्हें सही लगेगा कि आरबीआई इंस्पेक्टर और बैंक के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर जब ये समझेंगे कि इससे कुछ भी रियलाइज होने वाला नहीं है इस लोन से, तब वो इसे लॉस एसेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को कैसे प्रोविजन क्रिएट करना है, उसके लिए हमें लोन जो लिया है उसका स्टैंडर्ड चेक करना पड़ता है, ठीक है, स्टेटस चेक करना पड़ता है। वो कैसे हालत में है, वो परफॉर्मिंग हालत में है, वो सब स्टैंडर्ड हालत में है, या फिर वो डाउटफुल हालत में है, या फिर वो लॉस एसेट हालत में है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टेप वन हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक स्टेटस एज ऑन 31 मार्च, क्योंकि बैंक का जो अकाउंटिंग है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को चलता है, तो 31 मार्च कोई भी ईयर, ठीक है, जिस साल का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, 31 मार्च कोई भी ईयर का पहले हम लोगों को स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि जो ये मतलब बोरोअर है उनका क्या स्टेटस है, मतलब क्या वो सब स्टैंडर्ड है या वो स्टैंडर्ड है। लेकिन सिर्फ वो देखने से तो नहीं होगा, उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि 3 मंथ्स बीत गया है कि नहीं, 1 साल बीत गया है कि नहीं, तो वो क्या है, ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग है कि नहीं, परफॉर्मिंग है कि नहीं, परफॉर्मिंग के बाद 3 मंथ्स बाद पूरा ही नॉन परफॉर्मिंग होता है, लेकिन उसमें 2 कैटेगरी हो जाता है, तीन कैटेगरी हो जाता है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स, ठीक है। तो ये हम लोग चेक कब करेंगे, 31 मार्च को, क्योंकि उस दिन हमें अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है, ठीक है। और चेक क्या करना पड़ेगा, चेक बेसिस और बेसिस इज, चेक बेसिस इज ओवर ड्यू पीरियड, ठीक है। और चेक करने का बेसिस क्या होगा, ओवर ड्यू पीरियड, कब ड्यू डेट था, कितना टाइम चला गया, क्या 3 मंथ्स गया, क्या 1 साल गया, या 1 से 3 साल, ग्रेटर देन 3, दैट इज द ओवर ड्यू पीरियड। ओवर ड्यू पीरियड भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो 31 मार्च को हम लोग चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, बैंक को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो इसीलिए बैंक चेक करेगा कि उसके जितने भी बोरोवर है उनका स्टेटस क्या है, क्या वो स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है या लॉस एसेट है, और उसके लिए बेसिस क्या होगा, क्या देख के हम लोग डिसाइड करें कि ये वाला एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन या ये इंडिविजुअल पर्सन सब स्टैंडर्ड है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसका ओवरड्यू पीरियड। ये ओवरड्यू पीरियड होता है मतलब 3 महीना, मतलब 3 महीना बीत चुका है, या फिर 2 महीना बीता उसने पेमेंट कर दिया, तब तो वो परफॉर्मिंग ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरी जो है ये हमें समझने पड़ेंगे क्या होगा। अब हम लोग रेट लिखते हैं, ये तो हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग प्रोविजन किस पे किस नाम पे क्रिएट करें, मतलब किसको डाउटफुल बोले, किसको हम लोग सब स्टैंडर्ड बोले, और किसको स्टैंडर्ड, किसको लॉस एसेट बोले। अब हमें देखना पड़ेगा रेट ऑफ प्रोविजन, तो ये लिखो रेट ऑफ प्रोविजन। तो रेट ऑफ प्रोविजन का 2 कॉलम हो जाएगा, एक हो जाएगा क्लासिफिकेशन और दूसरा हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एडवांसेस। तो किस तरह से देखो, आरबीआई, ये सब आरबीआई का रूल्स है, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, अगर कोई परफॉर्मिंग एडवांसेस है, मतलब जो हमेशा पैसा वगैरह देता है, परफॉर्मिंग एडवांसेस है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जनरल रेट, मतलब कोई कैटेगरी में नहीं आ रहा है, जनरल रेट है 0.4%, ठीक है। तो अगर परफॉर्मिंग है तो क्यों हम लोग प्रोविजन क्रिएट करें, उसका रीजन ये है, परफॉर्मिंग होने के बाद भी इसीलिए प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, क्योंकि हर चीज में क्या होता है, एक छोटा सा रिस्क रह जाता है, ये देखो नॉर्मल रिस्क, ठीक है, नॉर्मल रिस्क रह ही सकता है, ठीक है, इसी वजह से बोला जाता है कि हाँ थोड़ा सा प्रोविजन कर लो, इसलिए बहुत ही कम, देखो 0.4%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट जो है, फॉर एडवांस टू एग्रीकल्चर, अगर कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स बैंक से लिया है, लोन्स एडवांसेस बैंक से लिया, या फिर एसएमई सेक्टर, तो इनको
और भी कम देना पड़ेगा, मतलब इनके लिए प्रोविजन और भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ये सब के लिए जो है वो चाहती है कि इनको लोन वगैरह मिले, तो इसके लिए प्रोविजन जो है इसका जो बताया गया है वो देखो 0.5%, बहुत ही कम, 0.25%, जस्ट इतना ही करना है। ये तो 4% मतलब क्या, 0.40, तो ये 40, ये 25, तो ये और भी कम है, ठीक है। उसके बाद फॉर एडवांसेस टू रियल एस्टेट सेक्टर, अगर रियल एस्टेट सेक्टर ने लोन लिया है तो परफॉर्मिंग अगर है तो उसके लिए एडवांसेस जो है वो 1% हमें करना पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है तो बैंक को इस तरह से चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक नोट लिखवा देते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमें नहीं बताए कि मतलब जनरल रेट लगाना है या फिर ये एग्रीकल्चरल सेक्टर का है, एसएमई सेक्टर का है, या फिर ये क्या बोले, ये रियल एस्टेट सेक्टर का है, तो हम लोग हमेशा जनरल रेट ही लगाएंगे। तो इफ नथिंग इज मेंशन, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन क्या है, देन यूज 0.4%, जनरल रेट ही हमें यूज करना है, अगर स्पेसिफाई कुछ नहीं बोला है, स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट बी अब आ जाएगा, सब स्टैंडर्ड, कोई अगर सब स्टैंडर्ड है तो इस, मैम हाँ बोला, मैम पॉइंट ए थोड़ा दिखे तो ये प्लीज इफ नथिंग एक सेकंड मेंशन, हो गया मैम अच्छा देखो अगर सब स्टैंडर्ड है, कोई लोन लिया है जिसका हालत अभी सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड कब उसका हालत होगा, अगर सब स्टैंडर्ड वो तब हो जाएगा कि 3 मंथ्स वेट किया गया लेकिन उसने फिर पेमेंट नहीं किया, अब उसको टाइम देना फिर से स्टार्ट करेगा बैंक, तो तब तक वो स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड के लिए 2 पॉइंट लिया गया है, पहला है सिक्योर्ड पोर्शन। सिक्योर्ड पोर्शन का मतलब है कि अगर कोई सिक्योरिटी वाला लोन लिया है, मतलब कुछ मॉर्गेज रख के, तो अगर सिक्योर्ड लोन है तो सिक्योर्ड पोर्शन बोलेंगे, ठीक है, और अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड पोर्शन। अच्छा, सिक्योर्ड पोर्शन के लिए 15% और अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए 25%, ठीक है। तो अगर कोई अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड लोन है तो उसके लिए 25% प्रोविजन करो, तो देखो कितना बड़ा बड़ा प्रोविजन है, देखो 15%, मतलब कितना लॉस है सोच के देखो, 25% तो कितना बड़ा बड़ा लॉस है। ये सब तो फिर भी कम है, जैसे ये एग्रीकल्चर सेक्टर, ये जनरल रेट जो है, परफॉर्मिंग देखो ऐसे भी ये परफॉर्मिंग वाले हैं तो इनसे तो लॉस होने का जो चांसेस है वो तो नॉर्मल रिस्क है, इसी वजह से कम भी है, इनका रेट भी कम है। लेकिन सबस्टैंडर्ड का देखो, सिक्योर्ड होने से 15, अनसिक्योर्ड होने से 25, काफी ज्यादा है, इसीलिए बैंक को हमेशा अपने कस्टमर को देख के समझ के ही लोन देना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा अनसिक्योर्ड का, अनसिक्योर्ड लोन टू इंफ्रास्ट्रक्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विथ एस्क्रो, एस्क्रो अकाउंट 20%, ठीक है। अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन दिया गया है किसको, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सेक्टर को, ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अगर लोन दिया गया था जो कि अनसिक्योर्ड था और जिनका एस्क्रो अकाउंट था। अब ये एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, एस्क्रो अकाउंट एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है, मतलब थर्ड पार्टी अकाउंट का मतलब जैसे आज के डेट पे ट्रस्ट का बहुत कमी है, ठीक है, और इसी वजह से हम लोग ये सब तरकीब जो है कैलकुलेट करते रहते, ठीक है। एस्क्रो अकाउंट का मतलब नॉर्मली रियल एस्टेट, इसके अलावा बहुत सारे केसेस में होता है एस्क्रो अकाउंट। इसमें क्या होता है, जो एस्क्रो, एस्क्रो एक थर्ड पार्टी होगा, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी कौन हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कुछ जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने से कोई इंडिविजुअल या कोई एंटिटी एस्क्रो एजेंट हो सकता है, ठीक है, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया, बैंक एस्क्रो एजेंट हो सकता है, कोई लॉयर एस्क्रो एजेंट हो सकता है। तो एस्क्रो एजेंट का काम क्या होता है,
एक्चुअली यहाँ पर हम दिखाते हैं एस्क्रो एजेंट का काम क्या होता है, ये वाले पेज में दिखाते हैं। देखो एस्क्रो का बात क्या होता है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन हम जस्ट एक बार बता देते क्योंकि एस्क्रो बोला है तो एक बार देख लो। देखो जैसे यहाँ पर सपोज ये है एस्क्रो अकाउंट, मतलब एस्क्रो अकाउंट का मतलब मान लो कि कोई बिल्डर है, ठीक है, एक बिल्डर है, बिल्डर का काम क्या है, बिल्डिंग बनाना, ठीक है, ये बिल्डर है, ये बिल्डिंग बना रहा है, तो बिल्डिंग बना रहा है तो उस बिल्डिंग में फ्लैट वगैरह जो होंगे वो कोई ना कोई खरीदेगा। तो पब्लिक, यहाँ पर बहुत पब्लिक है जो कि चाहती है ये बिल्डर जब बिल्डिंग बना लेंगे तो इनसे कुछ फ्लैट वगैरह खरीदना है, बहुत पब्लिक है खरीदना है, ठीक है, ये चाहते खरीदना। लेकिन प्रॉब्लम ये है इनको एक चीज का डर लग रहा है, डर क्या कि अगर हम लोग इनको पैसा दे देते, ये एडवांस मांगेंगे कि बुकिंग कीजिए नहीं तो दूसरे को फ्लैट बेच देंगे, ठीक है। अब ये एडवांस मांगेंगे, ये मान लो इनका फ्लैट जो है इनका काम चल रहा है, अब ये एडवांस मांगेंगे, दे दो एडवांस, लेकिन ऐसा देखा गया है कि पैसा ले लिया जाता है लेकिन लोगों को फ्लैट वगैरह दिया नहीं जाता, पैसा लेके बिल्डर भाग गया, ठीक है, तो बायर लोगों का जो मतलब लॉस है वो कौन भरपाई करेगा। तो इस वजह से एक कंसेप्ट लाया गया कि एस्क्रो का कंसेप्ट लाया गया, ठीक है, एक थर्ड पार्टी के थ्रू से पेमेंट और रिसिप्ट होगा, मतलब बायर लोग डायरेक्टली बिल्डर को पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, बायर लोग क्या करेंगे, एस्क्रो एजेंट जो होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है, तो बायर लोग क्या करेंगे, एस्क्रो अकाउंट, पहले एस्क्रो अकाउंट खोलेगा कौन, ये बिल्डर, ठीक है, बिल्डर को अपना एस्क्रो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो बायर क्या करेंगे उस एस्क्रो अकाउंट में अपना पेमेंट जो है वो डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट आके जमा पड़ गया एस्क्रो एजेंट के पास और एस्क्रो अकाउंट ओपन हो गया बिल्डर के नाम पे, ठीक है। अब बिल्डर को पैसा कौन देगा, बिल्डर को पैसा बायर ही दे रहे हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रहे, वो इनके एस्क्रो अकाउंट के थ्रू से जाएगा, कैसे जाएगा, बिल्डर मान लो दिखा रहा है यहाँ पर एस्क्रो एजेंट को, देखो मेरा 20% काम हो गया है, तो ठीक है एस्क्रो एजेंट क्या करेगा 20% पैसा इसको दे देगा, ठीक है, फिर दिखा है देखो मेरा 25% काम हो गया है, ठीक है, ये देखो मेरा 25% काम हो गया, ठीक है भाई 25% लेके जाओ अपना, ठीक है, तो ये क्या होता है ट्रस्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो ये मतलब रेरा एक्ट जो है ना उसके हिसाब से ये किया गया था, तो ये बिल्डर और जो बायर है उसके अंदर ट्रस्ट बना हुआ रहे, इस वजह से मतलब बिल्डर नॉर्मली यहाँ पर धोखा दे सकता है, बायर तो नहीं देगा क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है वहां पर, तो वो अपना पैसा वो क्या धोखा देगा, उसके पास धोखा देने वाला कोई बात है नहीं, तो धोखा अगर कोई देगा तो ये बिल्डर दे सकता है, ठीक है, तो इसीलिए ट्रस्ट के वजह से ये एस्क्रो का कंसेप्ट जो है वो आया था, ठीक है। इसके अलावा भी ऐसे भी होता है, कोई कंपनी के केस में भी होता है, मान लो कि कोई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम हो रहा है, ठीक है, एक कंपनी अपना एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है, इस वजह से वो बैंक के पास गई और बोल रही है कि मुझे लोन लेना है, तो बैंक बोलेगा कि देखो भाई तुम नया नया कंपनी, या फिर बैंक को लग रहा है कि मुझे इसे पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक भी बोल सकता है उस कंपनी को आप अपना एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाइए, हम लोग आपको एस्क्रो अकाउंट के थ्रू से पेमेंट मतलब पेमेंट कर देंगे लोन का पैसा, ठीक है, ताकि एक ट्रस्ट बना हुआ रहे, मतलब ट्रस्टी की तरह काम करता है ये जो एस्क्रो अकाउंट होता है, तो इस केस में भी होता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है, ठीक है, एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी को खरीद रही है तो जो सेल मतलब जो बिक जा रही है जो कंपनी, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना सारा एसेट लाइबिलिटी जो खरीदने वाली कंपनी है उसे देना पड़ेगा, जो कंपनी खरीद रही है उसे पैसा देना पड़ेगा, तो इस केस में वो लोग एस्क्रो अकाउंट के थ्रू से अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ताकि जो ट्रस्ट है वो बना हुआ रहे। या फिर शेयर इशू के केस में भी होता है कि अगर पब्लिक शेयर खरीदना चाहती है तो वो क्या कर सकती है, अगर कंपनी ने ऐसा है कि वो एस्क्रो अकाउंट में अपना एस्क्रो अकाउंट बना रखी है, तो कंपनी को पैसा कैसे मिलेगा, पब्लिक पहले अपना सारा एप्लीकेशन का पैसा एस्क्रो अकाउंट के थ्रू से पेमेंट करेगी कंपनी को, मतलब एस्क्रो अकाउंट में जमा हो जाएगा फिर वहां से कंपनी के पास चला जाएगा, एक ही बात है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है लिख देते, ये तो मैंने एक दिखाया, एस्क्रो अकाउंट बन सकता है इश्यू ऑफ शेयर्स के केस में, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स में कंपनी जो है वो अपना एस्क्रो अकाउंट बना सकती है ताकि वो पब्लिक का ट्रस्ट ले पाए कि हम मेरे मुझे पैसा दो, हम पैसा जो है सही जगह पे जा रहा है गलत जगह पे नहीं जा रहा है, ये ट्रस्ट की वजह से, तो इश्यू ऑफ शेयर्स में एस्क्रो अकाउंट हो सकता है, ठीक है। बिजनेस डील में हो सकता है, बिजनेस डील मतलब कोई अगर किसी का बिजनेस खरीद रहा है, मतलब दूसरा अगर अपना बिजनेस बेच रहा है तो उस केस में हो सकता है, बैंक और ये देखो यहाँ पर हो जाएगा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के केस में हो सकता है, इस केस में किसके अंदर होगा, इस केस में बैंक और कंपनी,
ठीक है, कंपनी अपना प्रोजेक्ट लेके बैंक के पास गई, लोन चाहिए तो एस्क्रो अकाउंट ओपन करने बोल सकती है बैंक, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपनी दो बिजनेस डील, तो बिटवीन टू कंपनी ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन टू कंपनी। मोर भी हो सकता है, मतलब दो कंपनी मिलके एक को खरीद रही है, या एक कंपनी दो कंपनी खरीद रही है, वो भी हो सकता है। तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिखा कि बिटवीन टू कंपनी, और यहाँ पर हो जाएगा इशू ऑफ शेयर्स पब्लिक एंड जो कंपनी शेयर इशू कर रही है, ठीक है। तो जस्ट नॉलेज के लिए, वैसे एस्क्रो अकाउंट से वैसा कुछ नहीं पूछा जाता है नॉर्मली, लेकिन है तो मैंने बता दिया कि एस्क्रो अकाउंट जो है उसका कंसेप्ट क्या है। तो अगर कोई, ये देखो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी है जिसने अपना एस्क्रो अकाउंट ओपन कर रखा है, लोन लिया था और लोन का पैसा नहीं दे रहा है, सबस्टैंडर्ड बन चुका है, तो उसके लिए प्रोविजन बनना चाहिए 20%। एंड लास्ट कैटेगरी जो है वो है डाउटफुल, सी डाउटफुल। डाउटफुल में सिक्योर्ड पोर्शन, उसके लिए अलग प्रोविजन। सिक्योर्ड पोर्शन के अंडर फिर तीन कैटेगरी, अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल ही हुआ है, 1 से 3 साल हो चुका है, या फिर ग्रेटर देन 3 ईयर। तो 25% रेट यहाँ पर, 40%, और इसमें 100%। और अगर अनसिक्योर्ड है, डाउटफुल के अंडर सिक्योर्ड और इसी के अंडर अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड पोर्शन, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन का हो जाएगा 100%। और लास्ट कैटेगरी, और एक कैटेगरी भी होगा, डी लॉस एसेट, वो भी होगा लॉस एसेट। लॉस एसेट, लॉस एसेट का हो जाएगा 100%, ठीक है। तो क्या ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट जो है हमें याद करना पड़ेगा, और ये धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। हम थोड़ा सा ऐसे करके याद रखने का कोशिश करते, तुम लोग भी चाहो तो ये चीज अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो, लॉस एसेट मतलब जिससे और कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो एकदम लास्ट कैटेगरी है डाउटफुल है, उसका अनसिक्योर्ड, देखो दोनों 100% है, अब ग्रेटर देन 3 ईयर होने से भी 100% हो जाएगा। मतलब ये वाला जो अगर याद रख पाए, तो ये जो सिस्टम मैंने बताया, तो इससे हम लोग आराम से याद रख सकते हैं। देखो, परफॉर्मिंग में सबसे कम रेट होगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी परफॉर्मिंग है, नॉर्मल रिस्क की वजह से किया हुआ है। तो यहां पर देखो, मेन ये वाला याद रखना पड़ता है, अगर ज्यादा क्वेश्चन आता है तो इसी से आता है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना पड़ेगा, बाई चांस अगर आ जाए तो याद रखना पड़ेगा। तो ये देखो, 0.4, 0.25 और 1%, ठीक है। तो जनरल रेट क्या है, 0.4%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडवांस टू एग्रीकल्चरल का क्या है, 0.25, ठीक है। और एडवांसेस टू रियल सेक्टर का क्या है, 1%, ठीक है। इस तरह से याद रखना पड़ेगा, 1%। और सिक्योर्ड का देखो 15, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो गया 25, और यहाँ पर कितना हो गया 20। ये देखो, तो एक काम कर सकते हो, अगर इसको आगे लिख देते तो ये बेटर रहता, तो ये एक सीक्वेंस में याद रह जाता। देखो, सब स्टैंडर्ड में कैसा है, 15, 20, 25, ऐसे करके याद रख सकते हो। अगर चाहो तो तुम लोग इसको ना यहाँ पर लिख दो तो बेटर रहेगा, ठीक है। मतलब अभी तो लिख लिए होगे, मतलब याद रखने के लिए बोल रहे हैं। देखो, 15, फिर 5 ऐड होके 20, फिर 5 ऐड होके 25 हो गया, 15, 20, 25। ये क्या है, सब स्टैंडर्ड का है। सब स्टैंडर्ड का सिक्योर्ड है, ऑब्वियसली सिक्योर्ड है तो रिस्क कम है, इसलिए 15% प्रोविजन करने से ही होगा। अगर अनसिक्योर्ड है लेकिन एस्क्रो अकाउंट खुला हुआ है, तो उसमें भी देखो थोड़ा सिक्योरिटी होता है, एस्क्रो अकाउंट अगर है तो 20%, और बिल्कुल अनसिक्योर्ड है तो 25%। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, ये सब स्टैंडर्ड वाला तो आराम से याद रहेगा, 15, 20, 25, पांच पांच करके बढ़ रहा है। तो सिक्योर्ड है तो कम 15%, अगर सिक्योर्ड मतलब विद एस्क्रो अकाउंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी के लिए होता है तो 20%, और अनसिक्योर्ड होगा तो 25% सब स्टैंडर्ड। अब अगर कोई सब स्टैंडर्ड से भी नीचे चला गया, डाउटफुल हो गया, तो उसका तीन कैटेगरी में हो जाएगा। मेन तो दो कैटेगरी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, जो कि यहां पर भी हमें देखने को मिलेगा, ये सिक्योर्ड और ये देखो अनसिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। तो यहां पर भी देखो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो अनसिक्योर्ड होगा 100%। और अगर सिक्योर्ड में भी तीन कैटेगरी, अप टू 1 ईयर 25, अब देखो यहां पर 25 में ही खत्म हुआ था, फिर 25 से शुरू, ये देखो फिर 25 से शुरू, 25, 40, 100, 100, 100, आराम से याद रहेगा। अप टू 1 ईयर 25, 1 से 3,
ग्रेटर देन 300, अनसिक्योर्ड 100, लॉस एसेट 100। तो दो तीन बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट जो वे है कि हम लोग अगर क्वेश्चन करते जाएंगे तो आराम से याद हो जाएगा कि कितना कितना रेट होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग इससे करते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ से यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन to be shown in the profit and loss account of commercial bank. अच्छा, इसमें assets क्लासिफिकेशन एक कॉलम और यहाँ पर रुपीस इन लैक। अच्छा, एसेट क्लासिफिकेशन में पहला आ रहा है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 4000 लैक, इन लैक है मतलब 4000 लैक स्टैंडर्ड, उसके बाद सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड 2000 लैक। नेक्स्ट लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर ये आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। सब स्टैंडर्ड उसके बाद डाउटफुल अप टू 1 ईयर, उसी में चल रहा है, एसेट क्लासिफिकेशन के अंडर ही लिखो। तो डाउटफुल अप टू 1 ईयर 900, मतलब 900 लैक। अच्छा, उसके बाद डाउटफुल अप टू 3 ईयर, डाउटफुल अप टू 3 ईयर। अच्छा, ये हो गया 400 लैक। अच्छा, उसके बाद डाउटफुल मोर देन 3 ईयर, डाउटफुल मोर, ऐसे लिख देते हैं ना, बेस्ट रहेगा, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर। तो इसमें हो गया 300 लैक लॉस एसेट, 500 लाख, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मिडिल में आ गया, मैं याद नहीं था ये लिखा हुआ था, ठीक है, इसको ऐसे कवर कर देते। चलो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि जो प्रोविजन है वो कितना बनेगा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है, देखो कैसे करके सॉल्व होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन करके दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन के साथ ही दिखा देते हैं, अगर प्रेजेंटेशन करना हो, और अगर जो पैटर्न है अभी तुम लोगों का उसमें हमेशा तो लिखना नहीं पड़ रहा है, जैसे आएगा वैसे ही कर लो, ठीक है। तो अगर लिख के करना है तो ऐसे होगा, ये देखो क्लासिफिकेशन, क्योंकि प्रोविजन कितना होगा उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि एसेट मेरा क्या है, सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, या फिर डाउटफुल है, या फिर लॉस एसेट है, और कितने पे प्रोविजन क्रिएट करना है उस पे परसेंटेज लगाएंगे, अमाउंट इन लैक। अच्छा, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन अमाउंट ऑफ एडवांसेस, अमाउंट ऑफ एडवांसेस ऐसे लिख देते हैं, और परसेंटेज ऑफ प्रोविजन और अमाउंट ऑफ प्रोविजन, अमाउंट ऑफ प्रोविजन। अच्छा, तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एसेट का क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड 4000, यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आ जाएगा स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो मैंने ये रूल्स बताया था कि कैसे करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन स्टैंडर्ड है, कौन सब स्टैंडर्ड है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है यहाँ से उसमें हमें सारा चीज बता ही देता है, हमें खुद से आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ काम है प्रोविजन का रेट याद रखना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में हो गया, एडवांस हुआ है 4000 इन लैक, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद सब स्टैंडर्ड था क्वेश्चन में, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड 2000 लैक,
उसके बाद है डाउटफुल, डाउटफुल, डाउटफुल में अप टू वन, अप टू थ्री और ग्रेटर देन थ्री, अप टू वन, वन टू थ्री, अप टू थ्री का मतलब वन टू थ्री और ग्रेटर देन थ्री ईयर, और अमाउंट जो है वो है 900, 400, 300, 900, 400, 300 और लॉस एसेट। फाइव हंड्रेड, ठीक है। अब हम लोगों को रेट याद करना है, ठीक है। तो अगर कोई एसेट स्टैंडर्ड हो जाता है तो उसका प्रोविजन कितना होगा? अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, पहले हम लोग देख के ही करेंगे, याद तो नहीं हुआ होगा ना इतना जल्दी। तो अगर कोई स्टैंडर्ड है मतलब परफॉर्मिंग एसेट है, अगर कोई स्टैंडर्ड है इसका मतलब परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है। तो अगर कोई स्टैंडर्ड है तो उसका रेट क्या होगा? तो उसमें तीन रेट होता है, एक एग्रीकल्चर वाला, एक जनरल रेट होता है, और एक क्या था, एग्रीकल्चर जनरल, और एक ये वाला क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हमें क्या मानना है, हमें जनरल वाला मानना है। तो इस पे कितना रेट लगेगा, कॉपी में देख के बताओ कि कितना रेट लगेगा, कितना परसेंटेज प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा इस पे। बोलो कितना रेट लगेगा, बताओ, बता सकते हो जीरो आराम से। जीरो पॉइंट फोर परसेंट हाँ, 0.4%, तीन रेट है ना स्टैंडर्ड कैटेगरी में। लेकिन कुछ नहीं बताएगा तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा था, इसीलिए इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन देन 0.4%, यानी जनरल रेट लगाना चाहिए हमें। तो 0.4% बैंक के पास डिटेल्स रहता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमें डिटेल्स नहीं दिया है, तो हम लोग 0.4% लगाएंगे। तो 4000 का 0.4% कितना होता है, उतना ही लिखना पड़ेगा अमाउंट में। तो ये 16 होता है, ठीक है, ये 16 हो गया। अच्छा, सब स्टैंडर्ड 2000 है। अब सब स्टैंडर्ड वाले कैटेगरी में जाते हैं। देखो सब स्टैंडर्ड में पहला तो दो पार्ट है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि ये कौन सा है, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, और अनसिक्योर्ड का दो है, एक है इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी विद एस्क्रो अकाउंट, एक सिर्फ अनसिक्योर्ड। तो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग को कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा इसे एज्यूम करेंगे सिक्योर्ड बोल के, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एज्यूमिंग सिक्योर्ड, नॉर्मली यही लिया जाता है, लेकिन अगर तुम लोग का ऑप्शनल रहेगा क्वेश्चन में कि ऑप्शन दिया हुआ है तो वहां से टैली करके देख सकते हो कि इनका एजम्पशन क्या लिया हुआ है। लेकिन अगर करके मतलब लिख के करना है विदाउट एनी ऑप्शन क्वेश्चन है तो हमेशा एज्यूम करेंगे सिक्योर्ड। अगर कोई भी है जिसमें सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड नहीं बताया तो हमेशा एज्यूम करेंगे सिक्योर्ड। तो सब स्टैंडर्ड अगर सिक्योर्ड है तो कितना होगा, उसका तो एक ही रेट है। सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड का तो एक ही रेट है, कितना रेट है बताओ, 15%, 15%। 15%। तो 2000 का 15% लगाना पड़ेगा, 300। अच्छा नेक्स्ट डाउटफुल, डाउटफुल में डाउटफुल का भी दो कैटेगरी है, मतलब मेन दो कैटेगरी है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। और अभी मैंने बताया कि अगर कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग हमेशा एज्यूम करेंगे कि सिक्योर्ड। तो यहां पर लिख देते हैं एज्यूमिंग सिक्योर्ड। तो अगर सिक्योर्ड है तो रेट देख देख के बताओ, अप टू वन ईयर होने से कितना होगा, 25 से फिर स्टार्ट होगा ना, ऐसे करके मैंने याद रखने बोला था, अप टू वन ईयर 25, 25%, हाँ 40 एंड 100, 100, ये देखो 25%, 40 और 100। तो यहाँ पर 25% मतलब 900 का 25%, 225, ये हो जाएगा 160, ये 300, 100%। और लॉस एसेट का क्या होता है, उसका तो 100% ही होता है। लॉस एसेट और ग्रेटर देन 3 ईयर्स दोनों ही सेम बात है, मतलब 3 से ज्यादा हो गया तो 100% करो, और 3 से ज्यादा क्रॉस करने से ही वो लॉस एसेट बन जाता है, तो उस पे भी 100%, 500, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं 300 और ये हो गया 5 टू 5 प्लस 16,
फाइव टू फाइव प्लस 16 और यहाँ पर 160, 460, 960. अच्छा ये हो गया 1501, 1501 लेकिन इन लैक, मतलब 1501 लैक या फिर 1501 और इसमें 5 जीरो ऐड करना पड़ेगा. नहीं ठीक है, बेटर है कि हम लोग इन लैक में लिखेंगे, तो इन लैक लिखने से ही होगा 1501 लैक. प्रोविजन, प्रोविजन अमाउंट जो कि पीएल में ट्रांसफर होगा, जैसे हम लोग पीएल में लिखते हैं ना टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, उसी तरह से होगा यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो गया इलास्ट्रेशन वन. अच्छा अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं. इलास्ट्रेशन टू पीछे ही कर लेते हैं. इलास्ट्रेशन टू, अच्छा From the following, information, find out amount of provision transferred to PL. Assets in lakh standard 5000, substandard 4000, doubtful for 1 year 800, for 3 years 600, for more than 3 years 200, or loss assets 1000. ठीक है, तो इसका कितना कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहीं पर कर लेते हैं, इसी साइड में हो जाएगा, देखने में भी आसानी रहेगा. तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्लासिफिकेशन, क्या लिखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन अमाउंट परसेंटेज ऑफ प्रोविजन. अच्छा यहाँ पर लिखते हैं क्लासिफिकेशन अमाउंट ऑफ एडवांसेस परसेंटेज ऑफ प्रोविजन अमाउंट ऑफ प्रोविजन. अच्छा क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा, स्टैंडर्ड सबसे पहले है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 5000, सब स्टैंडर्ड 4000, डाउटफुल फॉर 1 year 800, 1 to 3 year, इसका मतलब भी फॉर 3 year होता है, 1 to 3 year मतलब भी फॉर 3 year, 600, ग्रेटर देन 3 year, 200 और लॉस एसेट 1000. तो लॉस एसेट का सबसे जल्दी याद हो जाएगा, लॉस एसेट 100%, देखो याद हो जा रहा है, लॉस एसेट 100%, 1000. तो हम लोग बिना देखे कोशिश करते हैं, लॉस एसेट ये ग्रेटर देन 3 भी 100% होता है, देखो तो ये 200. ठीक है, अच्छा अब हम लोग स्टैंडर्ड में चलते हैं. तो स्टैंडर्ड का देखो तीन पार्ट था, एक एग्रीकल्चर था, एक रियल एस्टेट वाला था और एक जनरल था. कुछ नहीं बोलेगा तो जनरल, जनरल यानी 0.4%, तो 0.4% यानी कितना हो जाएगा, 5000 का 0.4% 20. अच्छा सब स्टैंडर्ड में दो कैटेगरी होता है मेन, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और अनसिक्योर्ड का दो पार्ट था, लेकिन जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग सिक्योर्ड मानेंगे, और जो कि कितने से स्टार्ट होता है, 15, 20, 25, इस तरह से था वो वाला पैटर्न. तो ये 15% हो जाएगा, तो 4000 इंटू 15% 600, ये हो जाएगा 600. अच्छा और डाउटफुल फॉर 1 year 1 to 3 year ये याद नहीं हुआ अभी,
देखो 1 ईयर और 1 to 3 ईयर, मुझे तो बाकी देखो आराम से याद हो गया, अप टू 1 ईयर 25 और 40, तो 25 से खत्म हुआ था तो 25 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इस तरह से याद रखने के लिए मैंने बोला था। तो ये देखो 25 और ये 40 वाला पॉइंट थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और ये 40, तो 25% 800 का 25% 200, और ये हो जाएगा 240। टोटल करने से ही पता चल जाएगा कितना होगा। तो ये हो गया 20, 600, 200, 800, 200, 1000, 1000, 2000, 2000, 260 हो रहा है शायद, 2260 प्रोविजन ट्रांसफर टू पीएल, 2260 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इलास्ट्रेशन थ्री। इलास्ट्रेशन थ्री, ये सब रेट को याद करने के लिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ टफनेस नहीं होता है, लेकिन हम लोग जितना रेट को याद करने का एक ही तरीका है, अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेट याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कोशिश करना है हम लोगों को कि एकदम बिना देखे हम लोग कर पाए। तो क्वेश्चन क्या है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट the amount of provision to be made in the profit and loss account of a bank. So, assets classification. और अमाउंट इन लैक, स्टैंडर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 6000 लैक, 7000 लैक सब स्टैंडर्ड, 3000 लाख डाउटफुल। डाउटफुल में तीन कैटेगरी, पहला है डाउटफुल लेस देन 1 ईयर, ब्रैकेट में है रियलाइजेबल वैल्यू, ऑफ सिक्योरिटी ₹500 लाख, ये है 1000 लाख। पॉइंट बी, डाउटफुल मोर देन वन ईयर बट लेस देन 3 ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर मतलब 1 से लेके 3 के अंडर हो जाएगा, लेस देन 3, इसी चीज को इस तरह से लिखा हुआ है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 300 लाख, और पॉइंट सी डाउटफुल मोर देन 3 ईयर। अच्छा, इसका अमाउंट नहीं लिखा मैंने, ये 500, ये है 500, और डाउटफुल मोर देन 3 ईयर, ब्रैकेट में नो सिक्योरिटी 300। तो ये वाला कैसे होगा, देखो पीछे इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्लासिफिकेशन, अमाउंट ऑफ एडवांस
परसेंटेज ऑफ प्रोविजन अमाउंट ऑफ प्रोविजन. अच्छा क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है स्टैंडर्ड, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है 6000 लैक और यहाँ पर दिया हुआ है 7000, ठीक है, लोन का अमाउंट. तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड, अमाउंट ऑफ एडवांस 7000. अब स्टैंडर्ड में लेकिन सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो उससे कोई मतलब नहीं है. ये देखो जो रेट मैंने लिखवाया है स्टैंडर्ड में तो सिक्योर्ड का कुछ बात है नहीं. ठीक है सिक्योर्ड लोन इशू किया है बैंक ने या फिर जिन्होंने लोन लिया है उन्होंने सिक्योर्ड लोन लिया है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं बोलेगा तो कितना परसेंट लेना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड वाले में कितना परसेंट लेना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला 0.4%. तो ये जो दिया हुआ है ये ऐसे ही दिया हुआ है, सिक्योर्ड से हमें कोई लेना देना यहाँ पर तो नहीं है, इस कैटेगरी में एटलीस्ट नहीं होता है. तो यहाँ पर 0.4%, तो ये हो जाएगा 280 हो रहा है या 28 होगा शायद, 7000 इंटू, हाँ 28. अच्छा स्टैंडर्ड के बाद क्या है, सब स्टैंडर्ड 3000, सब स्टैंडर्ड 3000. कुछ नहीं बोला है तो हम लोग सिक्योर्ड मान के चलेंगे तो 15% होता है. देखो याद भी हो गया, उसमें सब स्टैंडर्ड का तीन रेट था, 15, 20, 25, पांच पांच करके इंक्रीज हो रहा था, तो 28 हो गया और ये थ्री, ये ऊपर वाला 28, ये 15%. अच्छा 450, ये देखो ये 450 हो रहा है सब स्टैंडर्ड वाला. अच्छा अब डाउटफुल, डाउटफुल में देखते हैं क्या क्या होगा. डाउटफुल और डाउटफुल देखो ये दोनों सिक्योर्ड है, ये वाला अनसिक्योर्ड है लास्ट वाला. तो डाउटफुल का दो होता है, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड. तो जो सिक्योर्ड पोर्शन होता है उसमें होता है अप टू 1 ईयर, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है डाउटफुल लेस देन 1 ईयर, मतलब अप टू 1 ईयर, एक साल से कम मतलब एक साल के अंदर, यानी अप टू 1 ईयर लिख सकते हैं, एक ही बात है, वही जो मेन कैटेगरी उसी को लिखने का लैंग्वेज चेंज कर सकता है क्वेश्चन में. तो डाउटफुल लेस देन 1 ईयर, एक साल से कम मतलब एक साल तक, तो अप टू 1 ईयर 1000, अप टू 1 ईयर जो है उसमें है 1000, ठीक है. फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाउटफुल ग्रेटर देन 1 ईयर और लेस देन 3 ईयर, मतलब एक से लेके तीन इसके बीच में 1 to 3 ईयर, और यहां पर अमाउंट है 500. एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन का, क्वेश्चन में अमाउंट सही लिखा है कि नहीं एक बार चेक करते हैं. 7000, 3000, 1000, फिर 500, 300. हाँ ठीक है, ठीक ही लिखा है. फिर अप टू 1 ईयर, अच्छा 1 से 3, इसके बाद यहाँ पर डाउटफुल मोर देन 3 ईयर, तो यहाँ पर हो जाएगा मोर देन 3 ईयर, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर, और इसका वैल्यू है मोर देन 3 ईयर जो है उसका वैल्यू है 1000 शायद, नहीं 300 है, 300. अच्छा अब यहाँ पर लेकिन प्रोविजन का जो सिस्टम है, अच्छा ये एक चीज तो मैंने बोला नहीं, देखो यहाँ पर अगर सिक्योर्ड होगा तो किस तरह से प्रोविजन होगा वो हमें एक बार देख लेना चाहिए. ये पैटर्न एक बार बता देते कि सिक्योर्ड होगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा. ये देखो रेट तो उतना होगा लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे सिक्योर्ड अगर होगा तो. तो अगर कुछ सिक्योर्ड है तो हम लोग उस सिक्योर्ड पोर्शन को लेस करना पड़ेगा. हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं, वो वाला मैंने दिखाया नहीं, अच्छा रुको एक मिनट. देखो अगर सिक्योर्ड होगा तो कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट
जितना भी लोन का अमाउंट बाकी है लेस कर देंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बचेगा। समझा देते हैं, एक बार लिखो, ग्रॉस अनसिक्योर्ड पोर्शन ये वाला हो गया ग्रॉस अनसिक्योर्ड पोर्शन। उसके बाद यहाँ पर लेस हो जाएगा अगर कुछ ईसीजीसी एंड डीआईसीजीसी। समझाएंगे क्या होता है, डीआईसीजीसी गारंटी है, तो बचेगा नेट अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो सिक्योर्ड पोर्शन नो प्रोविजन रिक्वायर्ड, और यहाँ पर हो जाएगा सिक्योर्ड पोर्शन में प्रोविजन रिक्वायर्ड, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर प्रोविजन रिक्वायर्ड। ये पॉइंट नहीं बोला मैंने, ये क्वेश्चन ले लिया, ये पॉइंट पहले समझना पड़ेगा तभी हम लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एक मिनट, ये तो काफी लंबा है पॉइंट, एक मिनट। इसे चेक करते हैं। सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड में कोई सिक्योरिटी नहीं था इसमें, इसका सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड इससे तो कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पर 500 ये देखो, ये वाला पॉइंट तो हम लोग को समझना पड़ेगा ही कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर कोई सिक्योर्ड हो तो क्या होगा। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते। देखो यहाँ पर बोला है कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, तो स्टैंडर्ड का क्या सिस्टम था। देखो ये स्टैंडर्ड है, ऊपर से सिक्योर्ड है, लेकिन स्टैंडर्ड में कोई सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का बात नहीं है। अगर कोई स्टैंडर्ड लोन है तो उस केस में प्रोविजन क्या बनेगा, या तो 0.4 या तो 0.25 या तो 1%। इसमें सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड उससे कोई मतलब नहीं बनता है, और कुछ नहीं बताएगा तो 0.4%। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 0.4% अप्लाई किया है 7000 पे, ठीक है। सब स्टैंडर्ड का यहाँ पर कुछ नहीं बताया था, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो हम लोग मानेंगे कि सिक्योर्ड है, क्योंकि मैंने वही बोला कि अगर कुछ नहीं बताएगा तो सिक्योर्ड, यानी 15% सब स्टैंडर्ड का। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर ले लिया है सब स्टैंडर्ड का 15% 3000 का। अब यहाँ पर नया पॉइंट जो ऐड हुआ है कि डाउटफुल लेस देन वन ईयर, डाउटफुल ग्रेटर देन वन ईयर और डाउटफुल मोर देन 3 ईयर। और इस केस में हमारा रेट कुछ इस तरह से था नॉर्मली, ये देखो 25, 40 और 100, लेकिन सिक्योर्ड पोर्शन पे इतना होगा और अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100 होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये पूरा भी पता करने का जरूरत है, हम लोग जस्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो सिक्योर्ड पोर्शन जो अप टू 1 ईयर कैटेगरी में आता है उसमें 25%, तो यहाँ पर सिक्योर्ड कितना है ये वाले क्वेश्चन में ये बताओ कि जो डाउटफुल लेस देन 1 ईयर है वहां पर सिक्योर्ड पोर्शन कितना है। लोन तो पूरा 1000 है और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मतलब जो सिक्योरिटी है उसे बेच के 500 लाख जो है वो बैंक रिकवर कर सकती है, कि इसका मतलब ये सिक्योर्ड लोन था। तो सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, इसमें सिक्योर्ड पोर्शन कितना हो जाएगा, ये जो लोन का कैटेगरी है 500
500, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट ऑफ एडवांस में अप टू वन ईयर, यहाँ पर 1000 नहीं लिख के यहाँ पर लिखेंगे 500, और यहाँ पर ब्रैकेट में ये जो एक्चुअली ये तो सिक्योर्ड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 500 लिखेंगे, ठीक है. अच्छा, उसके बाद डाउटफुल ग्रेटर देन वन बट लेस देन थ्री, इसमें रियलाइजल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 300 लाख है और टोटल लोन 500, तो इसमें सिक्योर्ड पोर्शन कितना हो जाएगा, ये 300 लाख, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 300 लाख, ये गलत हो गया मेरा, ये 300 लाख हो जाएगा, ठीक है. और जो ग्रेटर देन थ्री है उसमें बोल रहा है कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या ये सिक्योर्ड में आएगा, तो ये सिक्योर्ड में आएगा ही नहीं, है ना. ये देखो ये ग्रेटर देन थ्री वाला जो है, यहाँ पर हम लोग हेडिंग कर देते हैं अनसिक्योर्ड, इसके ऊपर अनसिक्योर्ड, ठीक है. अनसिक्योर्ड में ग्रेटर देन थ्री ईयर है जो कि 300 है, ठीक है. इसके अलावा और क्या अनसिक्योर्ड पोर्शन है, इस ये वाले लोन का अगर हम लोग देखें तो ये वाले लोन का दो पोर्शन था ना, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड, ये वाले लोन का दो पोर्शन था, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड. तो इसमें सिक्योर्ड कितना था 500, अनसिक्योर्ड कितना था 500. ये लोन का भी देखो दो पोर्शन था, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड पोर्शन कितना था, सिक्योर्ड पोर्शन था 300 लाख, और अनसिक्योर्ड कितना हो गया फिर ये वाले लोन का 200 लाख, ठीक है. और ये जो है ये फुल्ली क्या है, अनसिक्योर्ड है. तो टोटल अनसिक्योर्ड में क्या क्या जाएगा, 500, 200 और ये 300, ठीक है. तो टोटल अनसिक्योर्ड में ये पूरा जाएगा. इसके पहले ऐसा क्वेश्चन हमारे पास नहीं था जहां पर हमें बता दे कि सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, ठीक है. इसीलिए यहाँ पर करने का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो गया. तो ग्रेटर देन थ्री ईयर के लिए 300, इसके अलावा अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना कितना है, इसके अलावा और भी अनसिक्योर्ड पोर्शन है, यहां पर लिख देते हैं. एक काम करते हैं, यहां पर अनसिक्योर्ड का पूरा टोटल करके ही लिख देते हैं. अनसिक्योर्ड में यहां पर 500, 200 और 300 ओवरऑल अनसिक्योर्ड पोर्शन है, यहां पर टोटल करके लिख देते हैं 300, 200, 500 और 500 1000, ठीक है. 1000 हो गया. ऐसा क्यों हुआ फिर से हम एक बार बता देते हैं. देखो स्टैंडर्ड में कुछ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं होता है, तो सिक्योरिटी हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. 7000 पे 3 रेट लग सकता था, 0.4, 0.25 और 1%, लेकिन 0.4 ही लगेगा बिकॉज कुछ स्पेसिफाई नहीं है. सब स्टैंडर्ड का ऑब्वियसली सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है, बट यहाँ पर कुछ नहीं पता है तो एजम्पशन जाएगा कि सिक्योर्ड है. तो सिक्योर्ड है, कितने से सिक्योर्ड है वो तो हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग 15% दिखा रहे हैं फुल्ली, ठीक है. अच्छा, और बाकी यहाँ पर जो लोन है उसमें कुछ सिक्योरिटी दिया हुआ था, तो 1000 में अगर 500 सिक्योरिटी से कवरेज होता है तो 500 सिक्योर्ड और 300 यहाँ पर कवरेज था, तो 300 सिक्योर्ड एंड रिमेनिंग पोर्शन अनसिक्योर्ड, यानी 500 और 200, और ये वाला फुल्ली अनसिक्योर्ड था. तो अनसिक्योर्ड के लिए 100% होता है, डाउटफुल के केस में अनसिक्योर्ड के लिए 100%, तो यहाँ पर 100%, तो 100% होने से हो जाएगा 1000. और जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसके लिए 25 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पर 25 और ये 40% हो जाएगा, ठीक है. तो 25 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 500 का 25%, यानी 125, ठीक है. और 300 का 40%, यानी 120, ठीक है. तो ये टोटल करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा. तो 28 + 450 + 125 + 120 और 1000, यानी 1723 लाख, ठीक है. अच्छा, ये वाला पॉइंट भी हम लोग सीखेंगे. देखो ये वाला पॉइंट हमें कब जरूरत होगा, ईसीजीसी वाला पॉइंट था, ठीक है. इसमें एप्लीकेबल नहीं होने वाला था, इसमें ईसीजीसी तो बोला नहीं है, ठीक है. ये वाला ईसीजीसी और डीआईसीजीसी, तो ये बता देते हैं क्या होता है, ठीक है. देखो एक बार जस्ट इसको बता देते क्या होता है. ईसीजीसी और डीआईजीसी जो है ये गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है बेसिकली, ठीक है. इसका मैंने कैलकुलेशन ही पहले लिखा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं. अब हम लोग देखो, मुझे लगा कि उस क्वेश्चन में शायद अप्लाई होगा, लेकिन उस क्वेश्चन में तो ये पॉइंट था नहीं, कोई बात नहीं. तो इसके बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग इसका थ्योरी लिखेंगे. तो ईसीजीसी और डीआईजीसी जो है ये गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है. ये लोग क्या करता है, ये लोग अगर कोई एक्सपोर्टर है या फिर कोई डिपोजिटर है, तो एक्सपोर्टर और डिपोजिटर का ना रैंक या स्टार होता है, ठीक है. मतलब अच्छे कैटेगरी के हिसाब से उनका रैंकिंग या स्टार दिया जाता है, जैसे कि 5-star डिपोजिटर ऐसे होते हैं. तो
क्योंकि एक्सपोर्ट करने से देश का इकोनॉमी में हेल्प होता है, तो जो एक्सपोर्टर कंपनी है वो जब लोन लेने जाती है तो बैंक बोल सकता है कि आप गारंटर लेके आइए, तो उस केस में ये जो गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस है, जैसे इसका नाम क्या है, ECGC एंड DIGC, इसको हम लोग बोलते हैं गारंटेड एडवांसेस, ठीक है, ये लोग एडवांसेस पे गारंटी लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलेंगे ठीक है एक्सपोर्टर को लोन दे दीजिए बैंक, हम लोग गारंटी लेते हैं कि ये अगर पैसा नहीं दे पाए तो हम लोग दे पाएंगे। लेकिन ये ऐसा काम क्यों करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने देश में क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ठीक है, एक्सपोर्ट करना अच्छा बात होता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े, तो इसीलिए ऐसा रूल्स इन्होंने, मतलब ऐसे सब फैसिलिटीज सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट बैठा है, ठीक है। तो फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कॉर्पोरेशन है, ये लोग हेल्प करेंगे, लेकिन ये फ्री में नहीं करते, इसके बदले ये छोटा सा कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं, अपना एक चार्जेस जो है वो ले लेता है एक्सपोर्टर या डिपॉजिटर से, ठीक है। तो ECGC और DIGC जो है ये गारंटी प्रोवाइड करता है। तो छोटा सा ये लिखवा ही देते हैं, इन द केस ऑफ एडवांसेस गारंटीड बाय, ये पूरा नाम जो है एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट लोगों को, एक्सपोर्ट करने वाले को गारंटी देती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटेड कॉरपोरेशन, यानी ECGC और डिपॉजिट इंश्योरेंस, गारंटी कॉरपोरेशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन, जिनको बोला जाता है DIGC, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट ऑफ एडवांस outstanding in excess of the amount guaranteed by the corporation। मतलब समझो यहां पर क्या बोल रहा है कि इन द केस ऑफ एडवांसेस गारंटेड बाय द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, मतलब ECGC अगर एडवांस पे गारंटी ले रहा है या फिर DIGC एडवांस पे गारंटी ले रहा है, कौन सा एडवांस, अगर कोई एक्सपोर्टर या डिपॉजिटर रैंक वाला स्टार वाला बैंक से एडवांस लिया है और उसके अगेंस्ट में गारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह के गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, तो उस केस में प्रोविजन कैसे करना है, तो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू मेड ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट ऑफ एडवांस आउटस्टैंडिंग इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट गारंटेड बाय द कॉरपोरेशन। मतलब इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखवाया था, ये देखो लोन का अमाउंट जितना बाकी है, ठीक है, अगर कोई सिक्योरिटी उस लोन के अगेंस्ट में बैंक को दिया गया था तो वो सिक्योरिटी का पैसा माइनस कर देना है, जैसे अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया था कि अगर सिक्योरिटी मिल रहा है तो वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सपोज जितना भी लोन है उसमें सिक्योर्ड, मान लो किसी ने 1000 का लोन लिया था और उसका सिक्योर्ड पोर्शन है 300, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया कितना, 700, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस अनसिक्योर्ड पोर्शन, ठीक है। अब इस पे, ये लोन पे अगर ECGC और DICGC का गारंटी
लिया हुआ था तो जितना गारंटी उन्होंने लिया था उतना माइनस कर देंगे। तो देखो टोटल लोन मैंने माना कि 1000 लाख का है, 300 का प्रोविजन सॉरी 300 सिक्योरिटी दिया हुआ था, तो 700 लाख जो है वो हो गया अनसिक्योर्ड। लेकिन इसमें से जो ECGC और DICGC ने गारंटी लिया था वो 100 लाख का लिया था, तो 600 लाख हो गया अनसिक्योर्ड। तो ये सिक्योर्ड था, टोटल लोन लिया था किसी एक्सपोर्टर ने 1000 लाख का, ठीक है, उसमें उसने अपने पास से सिक्योरिटी रखा था बैंक के पास 300 लाख का, तो इतना लेस हो जाएगा। तो क्या सिक्योर्ड पोर्शन पे प्रोविजन नहीं होगा? होगा, इसीलिए देखो मैंने लिखा है प्रोविजन रिक्वायर्ड, क्योंकि सिक्योर्ड पोर्शन पे प्रोविजन होता है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ओवरड्यू कि ये सिक्योर्ड किस में आ रहा है, स्टैंडर्ड में, सब स्टैंडर्ड में आ रहा है या डाउटफुल में, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का बात नहीं होता है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा ये जो सिक्योर्ड है इसका स्टेटस क्या है, क्या सब स्टैंडर्ड है कि डाउटफुल है। अगर सब स्टैंडर्ड है तो 25%, अगर डाउटफुल है तो कौन सा है, अप टू 1 ईयर है या 1 to 3 ईयर है, उसके हिसाब से यहाँ पर प्रोविजन बनेगा। इसके बाद हम लोग अगर इसे माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है। तो उस अनसिक्योर्ड पोर्शन से हम लोग जो गारंटी DICGC और ECGC ने ले रखा है वो माइनस कर देंगे, और इन्होंने जिस पे गारंटी लिया हुआ है उस पे कोई प्रोविजन का जरूरत नहीं होता है। ये RBI से बताया गया है कि जो गारंटी, क्योंकि ये पैसा मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है तो बैंक को पैसा मिल जाएगा उतने का जितने का गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब ये पैसा बैंक को मिलेगा, जैसे 300 मिल जाएगा एसेट बेच के, उसी तरह से ये वाला पैसा, मतलब जो भी सिक्योर्ड दिया हुआ है, सिक्योरिटी दिया हुआ है, तो वो पैसा मिल जाने वाला है और ये भी मिल जाएगा। तो लेकिन इसमें भी डाउट है, इसमें भी डाउट इसीलिए होता है, सिक्योर्ड है फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन इसीलिए क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी का वैल्यू जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अमाउंटिंग जो है वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा। तो इन्होंने जितने का गारंटी लिया, इन्होंने अगर 100 लाख का गारंटी लिया है तो 100 लाख जरूर मिल जाएगा बैंक को, तो इसीलिए कोई प्रोविजन का जरूरत नहीं है। फिर बचा कितना, 600, ये बिल्कुल हो गया नेट अनसिक्योर्ड, ठीक है, ये ग्रॉस अनसिक्योर्ड था, ये नेट अनसिक्योर्ड। इस नेट अनसिक्योर्ड पे फिर से हम लोग प्रोविजन करेंगे और उस पर भी हमारा डिपेंड करेगा, 100% ही होगा, ठीक है, ये 100% हमेशा होता है अनसिक्योर्ड का, ठीक है, तो अनसिक्योर्ड का 100% हो जाएगा, डिपेंड कुछ नहीं करेगा, 100% होता है तो 100% ही होगा। तो ये पैटर्न मैंने इसलिए लिखवाया था। तो यहाँ पर देखो वही लिखवाया है मैंने कि प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट ऑफ एडवांस आउटस्टैंडिंग, बैलेंस अमाउंट ऑफ एडवांस आउटस्टैंडिंग, ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इसका जितना बैलेंस बच जाएगा, ये देखो क्या लिखा है मैंने, बैलेंस अमाउंट ऑफ एडवांस आउटस्टैंडिंग इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय द कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन ने जो गारंटी लिया था उसके अलावा आउटस्टैंडिंग लोन का जितना अमाउंट बच जाएगा सिर्फ उसी पे प्रोविजन करना पड़ेगा। ये देखो अगर मान लो सिक्योर्ड नहीं था, ठीक है, 1000 लाख का लोन था और जो ECGC ने गारंटी लिया था 100 लाख का, ठीक है, तो बचा कितना 900 लाख, इस पे प्रोविजन करना पड़ेगा, इस पे प्रोविजन करने का जरूरत नहीं क्योंकि ये गारंटी लिया हुआ था। अगर मान लो सिक्योर्ड लोन नहीं था सिर्फ गारंटेड था तो उस केस में जितना गारंटी है वो माइनस हो जाएगा। वही लिखा हुआ है देखो कि कितना प्रोविजन, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट ऑफ एडवांस आउटस्टैंडिंग, बैलेंस अमाउंट ऑफ एडवांस आउटस्टैंडिंग जो बाकी रह जा रहा है, बैलेंस अमाउंट ऑफ एडवांस 1000 का बैलेंस 900 जो कि आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट नहीं किया है बैंक को, इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन के अमाउंट को माइनस करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट रह जाता है लोन का उस पे प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन क्रिएट इस पे होगा, इस पे नो प्रोविजन रिक्वायर्ड क्योंकि ये पैसा तो मिलना ही है बैंक को क्योंकि ये सब गवर्नमेंट कंपनियां हैं, ठीक है। और अगर सिक्योर्ड लोन में होता है ये वाला केस होगा, उसको हम लिखवा देते हैं, उसमें क्या होगा ये देखो, उसके लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, इन केस द बैंक ऑल्सो होल्ड सिक्योरिटी, अगर बैंक सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, जस्ट ये वाला केस मैंने पहले ही बता दिया प्रैक्टिकली, यहाँ पर अगर बैंक उस लोन पे सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है एज वेल एज गारंटी भी होल्ड कर रहा है तब कैसे कैलकुलेशन होगा, इफ इन केस द बैंक आल्सो होल्ड सिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एडवांस गारंटेड बाय ECGC
और DICGC, मतलब एक ऐसा लोन जिसपे ऑलरेडी ECGC DICGC का गारंटी लिया हुआ है, ऊपर से सिक्योर्ड भी है. तो द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटस्टैंडिंग बैलेंस. तो पहले जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो लेस कर देंगे क्योंकि वो सेल कर सकते हैं. तो ये हो गया, ये बचा 700. अब इससे लेस करेंगे गारंटेड अमाउंट, वही लिखवाएंगे. देखो, बैलेंस बिफोर द ECGC और DICGC गारंटी इज सेट ऑफ. ठीक है, तो ये तो लेस होगा ही, गारंटी तो लेस होता ही, वो तो हम लोगों ने पहले पैरा में ही पढ़ा कि गारंटी तो लेस होगा ही. लेकिन अगर इस लोन पे सिक्योरिटी भी है तो कौन सा आगे लेस होगा, गारंटी होगा कि सिक्योरिटी होगा? पहले सिक्योरिटी होगा, फर्स्ट सिक्योरिटी को लेस करो, फिर उसके बाद ECGC DICGC का गारंटी जो है उसे लेस करना है. ठीक है, और सिक्योरिटी का वैल्यू जो है ये हम लोग किस हिसाब से चेक करेंगे? सिक्योरिटी वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे जब हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, मान लो सिक्योरिटी लिया गया था 500 करोड़ का, ठीक है, या फिर 500 लाख का. ठीक है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो 500 लाख का था, मतलब जो एसेट था या फिर जो भी चीज सिक्योरिटी के तौर पे रखा गया था वो 500 लाख का था जब लोन लिया गया था. बट बाई चांस इसका सिक्योरिटी वैल्यू जो है ये कम हो गया, मतलब सिक्योर्ड चीजों का वैल्यू कम हो गया. कैसे हो सकता है? मान लो शेयर को हम लोग सिक्योरिटी के तौर पे रख के बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन जिस शेयर को हम लोगों ने बैंक में रखा था एज ए सिक्योरिटी उसका प्राइस कम हो गया है, तो ऑब्वियसली कम हो सकता है. तो ये देखो, तो हम लोग को क्या चेक करना है, सिक्योर्ड वैल्यू को किस हिसाब से चेक करना है, उसके लिए एक नोट लिख लेते हैं यहां पर क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोगों के पास. तो सिक्योरिटी वैल्यू इज चेक एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्रोविजन. तो जिस दिन प्रोविजन बना रहे, 2 साल पहले का लोन है, तब सिक्योरिटी का वैल्यू था 100 लाख, अभी उस सिक्योरिटी का वैल्यू हो गया है 80 लाख. जब हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें 100 लाख नहीं लेना है, 80 लाख ही लेना है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा ना कितना हमारा लॉस हो रहा है. ठीक है, और ये जो ECGC DICGC वाला कंसेप्ट ये है कि अगर सिर्फ गारंटी लिया हुआ है तो गारंटी लेस कर दो, गारंटी पे कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, जो नेट अनसिक्योर्ड पोर्शन बच जाएगा उस पर प्रोविजन बनेगा. लेकिन अगर उस लोन पे सिक्योर्ड सिक्योरिटी भी लिया हुआ है उसके साथ साथ ECGC DICGC का भी गारंटी लिया हुआ है, तो पहले सिक्योरिटी वैल्यू को डिडक्ट करना पड़ेगा. लेकिन सिक्योरिटी वैल्यू कब का लेना है, जिस दिन ये प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं उस डेट का, उस दिन का. ठीक है, उस टाइम का नहीं जब ये सिक्योरिटी रखा गया था. तो सिक्योर्ड पोर्शन लेस हो जाएगा, बचा जो ग्रॉस अनसिक्योर्ड पोर्शन उससे गारंटेड पोर्शन लेस हो जाएगा, बचेगा अनसिक्योर्ड पोर्शन. तो अनसिक्योर्ड पोर्शन पे भी प्रोविजन करना पड़ता है और जो सिक्योर्ड पोर्शन है उस पे भी करना पड़ता है. अभी हम लोगों ने रेट तो देखा था ना कि सिक्योर्ड पोर्शन पे भी हमारा प्रोविजंस जो है वो तो क्रिएट होता ही है. ये देखो, सिक्योर्ड पोर्शन पे भी होता है 25, 40, 100 डाउटफुल, यहां पर भी देखो होता है. इसमें ये जो बाइफर्केशन है वो नहीं बना हुआ होता है स्टैंडर्ड वाले केस में. और यहाँ पर ये जो गारंटेड वाला है इस पे कोई भी प्रोविजन नहीं लगेगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा बैंक को. ठीक है, इसीलिए ये लोग गारंटर का काम करता है और बैंक दे भी देता है. ये लोग अगर मीडिएटर होंगे तो बैंक से लोन मिल जाएगा कोई भी एक्सपोर्टर या डिपोजिटर का, लेकिन ये उन्हीं के लिए काम करते हैं जो कि कुछ रैंकिंग वाले या कुछ स्टार वाले डिपोजिटर या एक्सपोर्टर होते हैं, सभी के लिए ये काम नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक ही हम लोग करते हैं. और ऐसा ये जो रेट है तुम लोग को ये रेट याद कर लेना है. ठीक है, ये रेट को समझ के मतलब अपने हिसाब से कुछ एक लॉजिक लगा के, जैसे मैंने बोला 15, 20, 25, फिर यहाँ 25 से स्टार्ट हो गया 40, 100, 100, तो ये याद कर लेना है. नेक्स्ट दिन हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके अलावा और जो भी है वो देखेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं.